लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उसे बिना काटे, बिना मिटाए छोटी बनाओ। कैसे करें? कैसे करें? माँ, माँ, ये सवाल हल नहीं होता हमसे। मुझसे क्यों पूछ रहा है? पहले अपने पिताजी से पूछ। पिताजी, पिताजी, आप इस रेखा को छोटी कर सकते हैं, वो भी बिना मिटाए? छोटी करना, वो भी बिना मिटाए? ये तो सांप भी मरे और लाठी भी न टूटने वाली बात हो गई। ले, तू सवाल का हल पूछ रहा है और तेरे पिताजी कहावत सुना रहे हैं। हैं तो ये कलेक्टर ऑफिस में हेड क्लर्क, लेकिन इस छोटे से सवाल का जवाब देने नहीं मालूम। नाना जी, नाना जी, आप इस रेखा को बिना मिटाए छोटी कर सकते हैं, हमसे नहीं होता। अरे बेटा, इस बुढ़ापे में मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? सवाल किया तूने भी तो किन से? तेरे नाना जी हैं तो रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर, लेकिन तरकारी वाली ने कहा कि किलो किच्छे आने तो सर खुजलाने लगते हैं कि छे आने के नए पैसे कितने। पिताजी, आपको जवाब नहीं मालूम? नाना जी, आपको भी नहीं मालूम? तो मैं किताब में देखूं। ठहर ठहर, सवाल क्या है? एक रेखा को बिना काटे बिना मिटाए छोटी बनाओ, यही ना? हाँ माँ। ये देख, रेखा मिटी भी नहीं और छोटी भी हो गई। अरे किताब में भी यही जवाब लिखा है माँ। जवाय बाबू, वो मेरी बेटी है, समझे? अरे सीमा, तुम तो बड़ी अकलमंद हो। ये अकल की बात नहीं, अनुभव की बात है। वो कैसे? जब मैं पांचवी क्लास में पढ़ती थी तो माँ ने मेरी पढ़ाई बंद कर दी। इस बात का मुझे बहुत दुख हुआ। फिर कुछ महीने बाद माँ चल बसी। माँ की मौत का दुख इतना बड़ा था कि पढ़ाई बंद होने का दुख एकदम छोटा सा हो गया। बस इस अनुभव से मैंने सवाल हल कर लिया। वाह, तुम्हारी इस दो रेखा वाली बात में कितनी गहरी सच्चाई छिपी हुई। पांचवी क्लास तक पढ़कर इतनी होशियार हो गई, और ज्यादा पढ़ती तो कहीं की कलेक्टर बन जाती। अरे बाप रे, मर गए। क्या हुआ? आज अपने ऑफिस में नए कलेक्टर आ रहे हैं और मैं यहाँ गप्पे मार रहा हूँ। बाप रे, 9:30, आज मेरे पास कोई अच्छी पैंट शर्ट भी नहीं। लो पहन लो।
ये नए कपड़े कहाँ से हैं? किसी से मांग कर नहीं लाई हूँ, नए सिलवाए हैं तुम्हारे लिए। मेरे लिए नए कोट पैंट? मगर इसके लिए पैसे? तुम्हें आम खाने से काम, पेड़ गिनने की क्या जरूरत? और मेरा मन भी करता है कि मैं अपने पति को सुंदर और बना ठना देखती। अजी मन तो बहुत कुछ करता है लेकिन उसके लिए धन चाहिए। बताओ कहाँ से आए पैसे इसके लिए? कहाँ से आए? तुम जो घर खर्च के लिए पैसे देते हो ना, उसमें से बचा लिए। तुम जब घर खर्च के लिए एक रुपया मांगती हो तो मैं मुश्किल से 12 आने दे पाता हूँ। लेकिन जब मुझे 8 आने की जरूरत होती है तो मैं 1 रुपया मांगती हूँ और तुम 12 आने देते हो, बचे ना 4 आने? मुझे बनाने की कोशिश कर रही हो? तुम 4 आने बचाती हो, ये 16 आने छूट है। सच सच बताओ कहाँ से आए पैसे इसलिए? ठीक है, मुझे भी सर छूट का पता लगाना आता है, सीधी उंगली घी कभी नहीं निकलती। रानी इधर आओ। अब बोलो, मैंने जो कुछ कहा वो सच कहा, एकदम सच, बिल्कुल सच। अब क्यों नहीं बोलती? इसी तरकीब से तुमने मुझसे कितनी बार सच्ची बात निकलवाई? हाथ उठाने की जरूरत नहीं। माँ पकड़ी गई, माँ पकड़ी गई। हाँ बेटा, और वो भी रंगे हाथ। देखा, इसीलिए कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं। अब सच सच बताओ कहाँ से आए वो पैसे? बताती हूँ, मैंने अपनी चूड़ियां गिरवी रख दी। तुम गुस्सा करोगे इसलिए बताया नहीं। सीमा, आज तक मैंने तुम्हें कोई गहने जेवर नहीं दिए और तुमने मेरी खातिर अपनी ही चूड़ियां गिरवी रखवा दी। तुम्हारी कलाई सुनी रहे और मैं नए कपड़े पहनूं, ये कैसे हो सकता है? कहाँ है मेरी कलाई सुनी? उन सोने की चूड़ियों से तो ये कांच की चूड़ियां अच्छी, जब जैसा रंग भाए पहन लो। और फिर पत्नी के लिए सबसे कीमती जेवर पति का प्यार होता है, समझे? कुछ भी हो, तुमने जो कुछ किया वो ठीक नहीं किया। और तुम अभी तक घर में हो, ये भी ठीक नहीं। नए कलेक्टर भूल गए? नए कलेक्टर पीए यानी के पर्सनल असिस्टेंट। यस सर। ये दफ्तर किसके कंधों में चलता है? आपके कंधों पर, कलेक्टर के कंधों पर सर। गलत, चपरासी के कंधों पर। वो इधर की फाइल उधर और उधर की फाइल उधर। अरे अरे अरे, क्या बात है, आपकी तारीफ। आप है मिस माला, अपने ऑफिस की जूनियर मोस्ट क्लर्क। जूनियर मोस्ट क्लर्क? अरे इनको तो सीनियर मोस्ट होना चाहिए। ऐसा करो, इनको हमारा पीए बना दो। थैंक यू सर। मेरा क्या होगा? तुम्हारे लिए बाद में सोचेंगे। जी बाद में सोचेंगे। अरे बाबू मोशाई तुम, अरे ये भी ऑफिस में काम कर रहे हैं क्या? मिस्टर मोहन बाबू, अपने हेड क्लर्क। शक्ल में तो बिल्कुल वैसे ही है, अकल में भी वैसे ही हो ना। आप है मिस्टर छोटे लाल। छोटे लाल है? फैमिन रिलीफ की फाइलें देखता हूँ, अकाल पीड़ित लोगों की सहायता। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। जिनकी वजह से अकाल पड़ता है वही इसकी फाइल भी देखते हैं। जवाब नहीं है तुम्हारा, अच्छा सिलेक्शन है, वेरी गुड। हमारे ऑफिस की बीवल जी, मैं 4 साल से जूनियर क्लर्क हूँ। 4 साल से? वेरी बैड, वेरी बैड। मैं तुम्हारी फौरन तरक्की करता हूँ, नोट कर लो। जी साहब। तुम्हारी भी तरक्की। जी मैं तो पलट के जवाब मत दो, अगर ये ऑफिस नहीं होता ना तो मैं तुमको झापड़ लगाता। ये अपने ऑफिस का मुलाजिम नहीं है सर। तो फिर एक कारपेंटर बढ़े अपने ऑफिस की टेबल कुर्सी ठीक कर रहा है। अरे मैं भी कितना गधा हूँ, नोट करो नोट करो। यस सर। ये नोट मत करो। जी मैं गोपाल। क्या क्या गोपाल? जी क्या गोपाल नहीं, वी खो खो गोपाल। नाम गोपाल और पेट फुटबॉल। कौन सी चक्की का आटा खाता है? जी मैं चक्की वक्की का आटा नहीं खाता, मैं तो होटल में खाता। क्यों, तुम्हारी घरवाली क्या खराब खाना पकाती है? जी घरवाली नहीं है। नहीं है? जी मैं कंवारा हूँ। नो झटका नो झटका। कर्मचारी, मेरी शादी वादी नहीं हुई, मेरे बाल बच्चे नहीं है। क्यों झूठ बोलते हो, बच्चे नहीं है ठीक है, लेकिन खोपड़े पे बाल तो बहुत है। अरे अरे वेरी गुड लाफ्टर, गुड लाफ्टर, वेरी गुड स्प्रिट। देखो मैं हमेशा ऑफिस में ऐसे ही जोक मारा करूंगा और तुम सबको हंसना पड़ेगा, और जो नहीं हंसेगा उसकी पगार का। साइलेंस साइलेंस। ये जोक नहीं था ना लाइक किरत। ये कुंभकर्ण कौन है? आप है मिस्टर दुबे, बहुत साल से हमारे दफ्तर में काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं या सो रहे हैं? जहाँ हाथ रखने का वहाँ पाँव रखे हुए। दुबे इतने दुबे दुबे जाबे दुबे जाबे, तुमने सबके सामने मेरा अपमान किया है। मैं तुम पर एक्शन लूंगा, मैं तुम्हारा कलेक्टर हूँ, कलेक्टर हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, मैं कलेक्टर हूँ। कलेक्टर साहब, दिन में भी ख्वाब देख रहे हो? ओहो कलेक्टर साहब, आप माफ करना, हमारी नई कलेक्टर आ रही है इसलिए मैं उन्हीं की याद में खो गया था। अरे भाई कलेक्टर ऑफिस पीछे रह गया। पीछे रह गया तब तो फिर रोको बस। अरे भाई बस रोको। दुबे जी कुंभकर्ण,
कलेक्टर साहब आ गए क्या? अभी नहीं। जान बच गई। हेलो कमला, सुना है तुम शादी कर रही हो और वो भी लव मैरिज? जाओ अपना काम कर। अरे काम ही तो कर रहा हूँ। वो हाजिरी का रजिस्टर अंदर चला गया क्या? तुम रोज तो लेट आते हो, मगर आज इतना घबरा क्यों रहे हो? इसलिए कि कलेक्टर नहीं है और आज पहला दिन है, इसलिए थोड़ा घबरा रहा हूँ। ए मिस्टर। यस मिस। पहले उठाओ टोकरी। बहुत ही गर्म है छोकरी, ये ले थी टोकरी। पापा। क्या है पप्पू? तुम मुझे इतनी जोर से क्यों पटकते हो पापा? मिस्टर मंसूर, तुम्हारी अक्कल तो बिल्कुल मारी गई है। तुम जानते हो आज नई कलेक्टर आ रही है और फिर भी शैतान के बच्चे को यहाँ ले आए हो। तो फिर किस शरीफ की बच्ची के पास छोड़कर आता? अगर मैं 24 घंटे सरकारी नौकर हूँ तो 24 घंटे इस बिन माँ के बच्चे का बाप भी हूँ। इस बात को कलेक्टर भी इनकार नहीं कर सकती है। क्या चाहिए मेरे राजा बेटे को? मुझे माँ चाहिए। कोशिश कर रहा हूँ बेटे, भगवान को भी तेरी माँ की जरूरत थी। देवी जी क्या आप? पापा ये माँ चलेगी। चलेगी ना, अरे मैं भी तो इसी के ख्वाब देख रहा हूँ। बंदर, अपनी शक्ल देखिए शीशे में, बच्चे की पूछ लगाए फिरता है और बीवी के ख्वाब देखता है। अगर तुम मेरी बीवी नहीं बन सकती तो ना सही, मेरे पप्पू की माँ तो बन जाओ। शट अप। कलेक्टर की गाड़ी आ गई, कलेक्टर की गाड़ी आ गई। पापा। क्या है बे? मुझे शू आ रही है। अबे कलेक्टर आ रही है, अब शू या शी कुछ भी नहीं, ये ले बोतल मुंह में और गर्दन नीचे करके सो जा। नमस्ते मैडम। नमस्ते। आइए। कलेक्टरनी जी आ गई। ऑफिस में कितने विभाग हैं? 18। यहाँ कुल कितने लोग काम करते हैं? 250 लोग मैडम। और औरतें कितनी हैं? 90। गुड। सेक्शन में चलें? यस। ये जनरल सेक्शन है। आप हैं मिस्टर बिहारी लाल जी? नमस्ते। नमस्ते। बहुत सीनियर वर्कर। गुड। आप हैं मिस्टर बीरबल जी? मैं लाइसेंसिंग की फाइलें देखता हूँ। अरे वाह, आपका टेबल तो एकदम साफ है। जी आप आने वाली थी ना, इसीलिए। आप तो सचमुच देवी दिखाई देती हैं। थैंक यू। आप हैं श्री दुबे? जी मैं 20 साल से इस ऑफिस में काम करता हूँ। मेरे 10 बच्चे हैं, परिवार नियोजन की फाइलें देखता हूँ। 10 बच्चे और परिवार नियोजन? आप हैं मिस्टर मोहन? अपने हेड क्लर्क। ऑफिस के कायदे कानून को बड़ी मुस्तैदी से पालते हैं, बड़े मेहनती और जिम्मेदार हैं। आंख मूंद कर इन पर विश्वास किया जा सकता है। ये बात है। ऑफिस की जरूरी फाइलें इनके पास हैं और ऑफिस की तमाम राज की बातें इन्हीं की जानकारी में रहती हैं। देखिए कोई राज खोलने ना पाए। जी आइए, दूसरा सेक्शन देखिए। नहीं बाद में देखूंगी, पहले मैं अपने कमरे में जाऊंगी। दिस वे प्लीज। अब घर चले? ऐसी भी क्या जल्दी है? देखो जी, हम दोनों कॉलेज में पढ़ते हैं, पढ़ने वालों को चाहिए कॉलेज छूटते ही सीधे अपने घर चले जाएं। और जो मेरी तरह अपना शहर छोड़कर यहाँ आए हैं और जो हॉस्टल में रहते हैं वो क्या करें? वो आँख बंद करके अच्छे बच्चों की तरह सीधे हॉस्टल चले जाएं। मैं बच्चा हूँ? जी नहीं, आप तो बूढ़े हैं। मैं बच्चा हूँ? हिलना नहीं वहाँ से। अरे ये क्या, उठिए, शर्म नहीं आती? क्यों, क्या हुआ,
अभी तुमने इन्हें कहा कि मैं बच्चा हूँ, इसलिए मैं आराम से आपकी गोद में लेट गया। अच्छा ये बात है? जी हाँ, ये बात है। ये क्या? अब मेरी समझ में आया कि घर जाने की इतनी जल्दी क्यों है आप। क्यों बताऊं? आपके घर में आपकी दादी माँ इंतजार कर रही है। नहीं, मेरी दादी माँ भी नहीं है और माँ भी नहीं। दादी माँ भी नहीं है, माँ भी नहीं है। अच्छा अब की बार बताता हूँ, आपकी बहन आपकी राह देख रही। गलत। बहन नहीं, मेरा मतलब भाई। भाई भाई भी नहीं है। भाई भी नहीं। मैं तो इकलौती बेटी हूँ। इकलौती बेटी? अच्छा अब की बार बताता हूँ, एकदम करेक्ट। जैसे ही आप अपने घर में जाइएगा वैसे ही आपके पिताजी आप पर भड़क उठेंगे और जानती हो क्या कहेंगे? खबरदार, अगली बार तू घर से बाहर निकली तो तेरी टंगड़ी तोड़ दूंगा, क्या समझ रखा है तूने मुझे? गलत गलत गलत। मेरे पिताजी मुझे कभी नहीं डांटते, समझे? कभी नहीं डांटते? कभी। तो फिर आप एक काम कीजिए, क्या आप सीधे अपने पिताजी के पास चले जाइए और कहिए, डैडी डैडी मुझे किसी से प्यार है। ये बात है? हाँ, उनसे कहो कि मुझे एक सुंदर खूबसूरत होनहार लड़के से मोहब्बत है। वाह 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 वाह। मैं कहूँ? हाँ। देखो जी, तुम मर्द हो, अगर मुझसे शादी करनी है तो तुम खुद जाके मेरे पिताजी से बात करो। देखिए मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन लेकिन एक बात है। क्या? वो ये है कि अगर मैं आपके डैडी के पास गया और मैंने उनसे ये कहा कि देखिए पिताजी मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, तो आपके पिताजी क्या कहेंगे? वो मुझसे पूछेंगे कि मेरी पसंद क्या है। और आप क्या जवाब दीजिएगा? मैं कहूंगी कि मुझे आप बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, ए, ए, ए। बुआ बुआ आ गई। आशा आ गई। पिताजी नहीं आए? आते ही होंगे बेटे, तुम वहां धो ले, मैं तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ। पिताजी। हाँ बेटी, क्या बात? ये क्या पिताजी, आने में इतनी देर कर दी? बेटी मैं ठहरा कॉलेज का एक मामूली सा चपरासी, प्रिंसिपल साहब और बाकी लोगों के आने से पहले मुझे वहाँ पहुँचना पड़ता है, और जब सब लोग घर चले जाते हैं तो मैं वापस आता हूँ। तुम्हारी बात और है, तुम कॉलेज में पढ़ रही हो इसलिए जल्दी घर वापस आ सकती हो। जल्दी कहा, अभी अभी तो आई है। अभी अभी आई? क्यों आशा, कहाँ गई तुम? कहीं नहीं पिताजी, हाँ रास्ते में एक लड़की से मुलाकात हो गई थी, मेरा फ्रेंड, बस बात करते करते देर हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा। पिताजी मैं आपसे बहुत 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 नाराज हूँ। क्यों बेटा? हम एक ही कॉलेज में हैं और आप मुझे कॉलेज में मिलते ही नहीं, यहाँ तक कि लंच आवर में भी मुझसे बात नहीं करते। ऐसा क्यों पिताजी? बेटे मैं बड़े अरमान और बड़ी मेहनत से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी गरीबी तुम्हारी पढ़ाई के रास्ते में रुकावट पैदा करे, और दुनिया तुम्हें एक चपरासी की बेटी कहकर तुम्हारा मजाक उड़ाए। क्या क्या कह रहे हैं पिताजी? हाँ बेटे, मैं चाहता हूँ कि जब तक तुम्हारी पढ़ाई खत्म ना हो जाए किसी को पता तक ना चले कि तुम एक गरीब बाप की बेटी हो। आज लोग तुम्हें एक गरीब अनपढ़ बाप की बेटी कहकर पुकारे, इससे तुम्हें ये चाहूंगा कि कल वही लोग मुझे एक पढ़ी लिखी और होशियार बेटी का बाप कहे। पिताजी। बेटे रूप ये तेरा जिसने बनाया वो कहीं मिल जाए तो हाथ चूम लूं, कहीं मिल जाए तो हाथ चूम लूं। रंग ये तेरा जिसने सजाया वो कहीं मिल जाए तो हाथ चूम लूं, कहीं मिल जाए तो हाथ चूम लूं। रूप ये तेरा कारी कारी रतिया से काजल चुराया
प्यारी प्यारी हकियों में लगाया, कारी कारी रतिया से काजल चुराया, तेरी प्यारी प्यारी हकियों में लगाया, मुख पे सवेरा जिसने सजाया वो कहीं मिल जाए तो हाथ तुम लूं, कहीं मिल जाए तो हाथ तुम लूं, रूखे तेरा ऐसी कोई कविता नहीं है, चंचल ऐसी कोई सरिता नहीं है, सुंदर ऐसी कोई कविता नहीं है, चंचल ऐसी कोई सरिता नहीं है, आ अंग अंग तेरा जिसने बनाया वो कहीं मिल जाए तो हाथ तुम लूं, कहीं मिल जाए तो हाथ तुम लूं, रूखे तेरा बदन जैसे शीशे का प्याला बन गया मैं तो बिन पिए मतवाला, गोरा बदन जैसे शीशे का प्याला बन गया मैं तो बिन पिए मतवाला, ए हे 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 हाल ये मेरा जिसने बनाया वो कहीं मिल जाए तो हाथ तुम लूं, कहीं मिल जाए तो हाथ तुम लूं, रूप ये तेरा जिसने बनाया वो कहीं मिल जाए तो हाथ तुम लूं, कहीं मिल जाए तो हाथ तुम लूं, रूप ये तेरा अरे अपने कॉलेज का प्रिंसिपल थोड़ी ना, ये तो एक मामूली चपरासी है। लेकिन ओफो, इसमें घबराने की क्या बात है, हमने कोई गलती थोड़ी ना की है। बाबूजी क्या है, छोटा मुंह बड़ी बात ना समझी, आपका इस तरह किसी लड़की के साथ घूमना फिरना ठीक नहीं। क्यों ठीक नहीं है जी? क्योंकि ये आपके पढ़ाई के दिन है, आपको अपनी पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। अरे ये किसने कहा कि मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, पढ़ाई का टाइम अलग प्रेम करने का टाइम अलग, समझे? नहीं नहीं आप क्या समझिएगा, आपके प्यार करने का टाइम तो निकल चुका है ना आशा। प्रेम बहुत बड़ा शब्द है बाबूजी, प्रेम करना आसान है, उसको निभाना बहुत मुश्किल है। हद हो गई यार, अरे मैं मजाक में नहीं सचमुच में इससे प्यार करता हूँ और बहुत जल्द इससे शादी भी करने वाला हूँ, अब तो आपको कोई इतराज नहीं ना? ये आपने पते की बात की बाबूजी, देखिए मेरी बात का बुरा ना मानिए, जल्दी इसके माँ बाप से मिल लीजिए और शादी कर लीजिए। जो हुक्म महाराज, हुक्म देने का आपको हक है और उसे पूरा करने का फर्ज हमारा है, ऐसे लोगों का काम ही है कबाब में हड्डी बनना। देखा आशा, कॉलेज का एक मामूली चपरासी भी हमारा मजाक उड़ाने लग गया है, भाई अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, फटाफट तुम अपना पता बताओ, कल ही मैं तुम्हारे पिताजी से मिलने आता हूँ। हाँ चलो। आशा, आशा घर में है जी? अरे तुम यहाँ क्यों,
घबरा गए मुझे देखकर। क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो यार? आशा के पिता से मेरी शिकायत करने के लिए यहाँ तक पहुँच गए? तुम मुझे गलत समझ रहे हो बेटा। अच्छा जी, तो मैं आपका बेटा हो गया, तब तो मुझे आपको पिताजी कहकर बुलाना पड़ेगा। पिताजी? अरे आशा, ये पिताजी किसे कह रही हो? मुझे। क्यों? क्योंकि मैं इसका पिता हूँ। अरे पिताजी मुझे माफ कीजिएगा, मुझे मालूम नहीं था कि आप ही। अब तो मालूम हो गया ना। जी हाँ। अब बोलो क्या कहना। जी जी, मुझे कुछ नहीं कहना है, अब मैं घर जाता हूँ। बेटा घबराने की जरूरत नहीं, आओ बैठो, बैठो बैठो बैठो। बेटे मुझे आशा ने सब कुछ बता दिया है। जी हाँ, मुझे अपनी बेटी पर पूरा पूरा भरोसा है। अगर मेरी बेटी ने किसी को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला किया है तो वो जरूर हीरा ही होगा बेटे। जी थैंक यू। बेटे एक बात और है। जी। प्यार और मोहब्बत हम गरीबों के बस का रोग नहीं, हमारी तो बस एक ही दौलत है, वो है हमारी इज्जत। बेहतर यही होगा बेटे कि तुम ये शादी जल्दी से कर डालो। जी हाँ, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी तैयारी काफी नहीं है, तुम्हारे माता पिता की रजामंदी भी तो चाहिए। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं आज ही उन्हें एक चिट्ठी लिख देता हूँ। आप शादी की तैयारी कीजिए, वो लोग आ जाएंगे। ये खुशखबरी सुनकर वो लोग खुशी से पागल हो जाएंगे। पागल हो गया है पागल, इसका दिमाग जरूर खराब हो गया है। क्यों जी? हमने इसे पढ़ने के लिए भेजा था या प्रेम लीला रचाने? लिखता है मुझे मालूम है आप लोग मेरी शादी के लिए राजी नहीं होंगे, इसीलिए ये पत्र लिखता हूँ। जब आपको ये पत्र मिलेगा मेरी शादी हो चुकी होगी। शादी की तो ये चपरासी की लड़की से? दीदी एक ही तो भांजा है मेरा, क्या क्या सोचा था मैंने उसके लिए। करोड़पति के घर से बहू आएगी, धूमधाम से दावत होगी, मुंह मादा दहेज मिलेगा। अरे वो चपरासी क्या दहेज देगा, वो देने के लिए नहीं लेने के लिए शादी कर रहा है। हमारा पैसा देखकर मोहन को उल्लू बना रहा है, लेकिन मैं भी चुप नहीं रहूंगी। आज ही पुलिस में रिपोर्ट लिखाती हूँ, बाप बेटी दोनों को जेल भिजवाऊंगी। ये नहीं हो सकता मोहन की माँ। क्यों नहीं हो सकता? इसीलिए कि लड़का बड़ा हो चुका है, बालिग है, मेरे ख्याल से लड़की भी बालिग है, उन्हें शादी करने का पूरा पूरा अधिकार है। आप ही ने तो मोहन को सर पर चढ़ा रखा है, वरना उसकी क्या मजाल के कंगाल की लड़की से शादी करता। ओहो, कंगाल हो या करोड़पति, शादी तो हो गई होगी। अब मैं क्या करूं? सुनो हम लोग वहाँ चलते हैं, चलकर देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ये ठीक है, चलो दीदी चलो। बाबूजी फेरे पढ़ने का समय हो गया। हाँ पंडित जी। मोहन बेटे फेरे पढ़ने का वक्त हो गया, तुम्हारे माता पिता अभी तक नहीं आए। चिंता मत करिए बाबूजी, रास्ते में कहीं देर हो गई होगी, आते ही होंगे। आप कार्य आरंभ करवाइए। पंडित जी कार्य आरंभ है। चलिए शादी कर ली। शादी बुद्धू बेअकल, किसे पूछ कर की शादी? कैसे हिम्मत हुई तुझे इस लड़की को हमारी बहू बनाने की? हमें मरा समझ लिया क्या? तुम चुप रहो जी। कैसी गुड़िया सी लड़की है, ना सोचा ना समझा लगे कराने। अरे मैं समझा तुम गरजोगी, इसलिए पहले मैं बरसने लगा, चिल्लाने लगा। मुझे क्या समझ रखा है तुमने? क्या मैं इतना भी नहीं समझती कि कब चिल्लाना चाहिए कब चुपचाप रहना चाहिए? मोहन बेटे थोड़ा सा समय देते तो बैंड बाजे के साथ धूमधाम से तुम्हारी शादी करते। अब भी क्या बिगड़ा, कम से कम आशीर्वाद देने के लिए तो आ गए। माँ जी जीते रहो बेटा, जीते रहो बेटी। आज मैं कितनी खुश हूँ। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, सर से भारी बोझ उतर गया। समरन जी मैं तो घबरा गया था कि आप ये शादी मंजूर करेंगी भी या नहीं। अरे मोहन जी? तुम्हें आईएएस के इम्तिहान के लिए दिल्ली कब जाना है? आज रात को ही जाना, वहाँ गाड़ी का टिकट भी ले लिया। अच्छा तुम एक काम करो, तुम दिल्ली से सीधे घर आ जाओ, मैं बहुरानी को लेकर कल ही घर वापस चली जाऊंगी। अच्छा मां। और एक काम करना, इम्तिहान के पर्चे अच्छी तरह लिखना, मैं दिन रात तुम्हारे कलेक्टर बनने का सपना देख रही हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि बहुरानी की याद में दिन रात खोए रहो और इम्तिहान में फेल हो जाओ। सदा सुहागन रहो मेरी बच्ची,
अब रोते क्यों समध जी? कुछ नहीं कुछ नहीं, आज तक मैं अपनी बेटी से एक दिन के लिए भी अलग नहीं हुआ। सुना तुमने, ये अपनी बेटी से एक दिन के लिए भी अलग नहीं रहे, फिर हम इन्हें जुदा क्यों करें? बेटी को बाप के पास ही बनी रहने दो। ऐसी बेटी की बातें कर रहे हो तुम लोग? चलिए माँ जी। हाँ हाँ अब चलने चाहिए। सुनो जी, हम चलते हैं, ये यही रहेगी। ऐसी मनुष्य बातें मुझसे मत निकल मोहन की माँ। तुम बीच में क्यों बोल रहे हो जी? क्या मैं इतना भी नहीं जानती कि कब क्या कहना चाहिए? आप क्या कह रही? सीधी और साफ साफ बात कहूँ जी? कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी बेटी मेरे साथ नहीं जाएगी। ये शादी मुझे मंजूर नहीं, ये मेरी बहू नहीं। समरन, ये आपकी बहू है, आपके बेटे से इसकी शादी हो चुकी है। किससे पूछकर हुई शादी? किसकी हाजिरी में हुई शादी? ये सच है कि आपकी हाजिरी में नहीं हुई, लेकिन भगवान के सामने मंदिर में दोनों के फेरे पड़े। मंदिर में हो या समंदर में, लेकिन मोहन की माँ के सामने नहीं। हाँ देखिए, जवाई बाबू को दिल्ली भेजकर ऐसी बातें न कीजिए। जवाई? कौन किसका जवाई? शर्म नहीं आती मेरे बेटे को जवाई कहते हुए? क्या हैसियत है तुम्हारी? झोपड़ों में रहना और महलों के पार देखना। आपके विचार ऐसे होंगे, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हाँ हाँ, तुमने सोचा होगा मेरे बेटे को उल्लू बना दिया, तुमने सोचा होगा रातों रात रईस बनने के सपने पूरे हो गए, तुमने सोचा होगा ऐसा दामाद मिल गया जो बहुत जल्द कलेक्टर बनने वाला है। ऐसा न कहिए माँ जी, भगवान के लिए ऐसा न कहिए, मुझ पर दया कीजिए, मुझसे मेरा सुहाग मत छीनिए, मुझे झुकना भी मत जाइए माँ जी। मेरी माँ नहीं है, आपको देखते ही मैं समझी थी कि मुझे मेरी माँ मिल गई। मुझे अपने चेहरे में जगह दीजिए माँ, मुझे अपने शरण दीजिए माँ। भिखारियों को शरण देने के लिए मैंने कोई आश्रम नहीं खोल रखा है, दूर है मुझसे। आशा, एक बात और याद रखना, आज के बाद मेरे बेटे से कभी ना मिलना, मेरी बहू होने का दावा कभी ना करना, तुम्हें मेरे बेटे की कसम, तुम्हें तुम्हारे मोहन की कसम। चलो जी। इस तरह बिना खाए पिए कब तक चलेगा? उधर रो रो कर आशा की आंखें सूज गई। उठो, चार दिन हो गए, थोड़ा बहुत खा लो। ये क्या, मैं बोले जा रही हूं और तुम चुपचाप बैठे हो? दीदी, मैंने फैसला कर लिया। फैसला? कैसा फैसला? मैं आशा की दूसरी शादी कर दूंगा। क्या, दूसरी शादी? ऐसा भी कभी हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, मैं ये शादी करके रहूंगा। बच्चों की तरह बह की बातें मत किया करो, सदा से चली आई रीति रिवाजों को कोई तोड़ सकता है? रीति रिवाज लोगों के लिए है, लोग रीति रिवाज के लिए नहीं। किसी के साथ धोखा करना, झूठ बोलना, अपने धन के नशे में सही बात को गलत साबित करना, अगर यही रीति रिवाज है तो मैं उन्हें नहीं मानता, मैं उन्हें तोड़ कर रहूंगा। मैं अपनी बेटी की दूसरी शादी करके रहूंगा। मेरी लड़की बहुत पढ़ी लिखी है, सुशील है, होशियार है, आपके घर की शोभा बन जाएगी। वो तो ठीक है, पहले हम लड़की को तो देख लें। क्यों नहीं क्यों नहीं। दीदी, आशा बेटी को अंदर ले आओ, आप देखेंगी तो खुश हो जाएंगी, बहुत सुंदर है। आप आराम से बैठिए, मैं खुद ही लेकर आता हूँ, बेचारी शर्मा रही होगी। दीदी, ये क्या हो गया? तुम भाग्य को चुनौती दे रहे थे, मगर भाग्य को कोई बदल सकता है? आशा के पेट में मोहन का बच्चा। मैंने सोचा था मैं किस्मत को बदल दूंगा, मार खा गया, लेकिन मैं आशा को बर्बाद नहीं होने दूंगा। मोहन की माँ ने मेरी बेटी को इसलिए ठुकरा दिया कि उसका बेटा कलेक्टर बनने वाला है। दीदी, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं अपनी बेटी को इतना पढ़ाऊंगा कि एक दिन कलेक्टर की कुर्सी पर बिठा के छोड़ूंगा।
ऑफिस के लोगों ने आपके स्वागत में एक मनोरंजन कार्यक्रम रखा है, आप जरूर आइएगा। हाँ, इस वक्त मुझे ऐसे मनोरंजन की खास जरूरत है, मैं आऊंगी। थैंक यू मैडम। किसी गुल की ये किस्मत है कि वो सहरे में सजता है, किसी को कोई अपने यार की तुरबत पे रखता है, एक से फूल गुलिस्तां में खिला करते हैं, फिर भी हर फूल की तकदीर जुदा होती है, फिर भी हर फूल की तकदीर जुदा होती है, एक से चेहरे हाय, एक से चेहरे यहाँ सबको मिला करते हैं, फिर भी हर चेहरे की तस्वीर जुदा होती है, फिर भी हर चेहरे की तस्वीर जुदा होती है। कफस में बंद है कोई तो कोई आशियाने में, तो कोई आशियाने में, नहीं देखा कोई आजाद हमने इस जमाने में, तो हमने इस जमाने में, जिसे भी हमने देखा परेशान हाल देखा, गरज के हर जगह पे बिछाइत जाल देखा, एक सी कैद में सब लोग जिया करते हैं, फिर भी हर कैदी की जंजीर जुदा होती है, एक से फूल गुलिस्तां में खिला करते हैं, फिर भी हर फूल की तकदीर जुदा होती है, फिर भी हर फूल की तकदीर जुदा होती है। कहानी है यही सब का फसाना है, यही सब का फसाना है, कोई दौलत का है आशिक, कोई शोहरत का दीवाना है, कोई शोहरत का दीवाना है, इसे हसरत है कोई, उसे अरमान कोई, तमन्नाओं से खाली नहीं इंसान कोई, एक से ख्वाब निगाहों में बसा करते हैं, फिर भी हर ख्वाब की आबीर जुदा होती है, एक से फूल एक से हाँ एक से फूल गुलिस्तां में खिला करते हैं, फिर भी हर फूल की तकदीर जुदा होती है, फिर भी हर फूल की तकदीर जुदा होती है, फिर भी हर फूल की तकदीर जुदा होती है।
भी हर फूल की तकदीर जुदा होती है फिर भी हर फूल की। मिस्टर मोहन, जैसे ही कलेक्टर जी का भाषण पूरा हो उन्हें हार पहनाना। देखिए आप नहीं माला जी के हाथ से पहनाइए। श्री मनसुख बाबू और उनके साथियों ने मजेदार कव्वाली सुनाकर हम सबका मन बहलाया। मुझे बड़ी खुशी है हमारे स्टाफ में से कई लोग ऐसा मनोरंजन पेश करने में भी होशियार हैं। एक से फूल गुलिस्ता में खिला करते हैं फिर भी हर फूल की तकदीर जुदा होती है। शायर का कहना भी कितना सच है, ये हम में से कई लोग अपने अनुभव से जानते हैं। खैर मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में भी इस तरह के कई कार्यक्रम पेश किए जाएंगे। धन्यवाद। प्लीज साइकिल मुझे दे दो बेटे। अरे तुम इतनी जल्दी आ गए, अगर मुझे मालूम होता तो हम सब साथ पिक्चर देखने जाते। लेकिन क्या पिक्चर थी, छी नाच तो ऐसा कि देखा ही नहीं गया। नाचने वाली ने सिर्फ इतनी सी अंगिया बांध रखी थी, सारा पेट दिख रहा था। माना कि पेट की खातिर नाच रही थी मगर पेट दिखाने की क्या जरूरत थी। लेकिन आज तुम ऐसे खोए खोए से क्यों हो? अरे हाँ मैं तो भूल ही गई, आज नई कलेक्टर आने वाली थी ना, कैसी है वो? बड़ा रुबाब होगा उसका, गले में हीरों का हार पहनी थी या मोतियों की माला? साड़ी कैसी थी, बनारसी या बेंगलोरी? वो सिर्फ अपना ठाट दिखा रही थी या उस नाचने वाली की तरह अपना पेट दिखा रही थी? मैं क्या यही सब देखने ऑफिस गया था? मुझसे तो उसकी सूरत भी नहीं देखते। तो क्या वो इतनी बदसूरत है? ओ, ओ, सीमा क्यों खामखा मुझे परेशान कर रही हो? तो तुम भी खामखा क्यों गुस्सा कर रहे हो बोलो। मोहन बेटे टिफिन कैरियर कहाँ है? मालूम होता है दफ्तर में भूला है। आज तो हर काम उल्टा, जरूर कोई बात है, क्या हुआ दफ्तर में? सीमा क्यों बेचारे को परेशान कर रही हो, नई कलेक्टर आई है, कोई गलती देकर डर फट के हाथ से डाली होगी। ऐसा तो होता ही रहता है, ये कोई नई बात नहीं। क्यों जी यही बात है क्या? हाँ हाँ यही बात है, खूब गालियां दी उसने मुझे, अब तो पीछा छोड़ो। क्यों गालियां दी उसने तुम्हें? आते ही तुम पर रोक गाटने लगी, मगर ये तो बताओ उसने अदब से गाली दी या बेअदबी से? मुझे तो चिंता होने लगी, अगर वो ऐसे गर्म में जाती है तो तुम उसके माताहत काम कैसे करोगे? सीमा तुम्हें इस बात का दुख है कि उसने मुझे बुरा भला कहा? और नहीं तो क्या, आखिर एक औरत चाहे वो कलेक्टर क्यों ना हो, वो अगर मेरे पति को डांटेगी तो क्या दुख नहीं होगा मेरे दिल को? आज की ताजा खबर क्या है? क्या यही ना सब कलेक्टर सदानंद का तबादला हो रहा है? अबे गधे तबादला भी कोई खबर होती है? गोपाल इसे ये भी नहीं पता कि खबर क्या होती है। अबे खबर होती है फलाने ने फलाने को चिट्ठी लिखी, फलाने ने फलाने की सुरमई आंख से आंखें लड़ाई, फलाने ने फलाने को फलाने पिक्चर दिखाई, ये हुई खबर। समझा तुम किसके बारे में कह रहे हो? मालूम होता तेरे चश्मे का नंबर बदल गया है। अबे कल प्रोग्राम में क्या देखा? क्या देखा, हेड क्लर्क मोहन बाबू ने कलेक्टर को हार पहनाया। गलत, एक मर्द ने एक औरत को हार पहनाया। सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। जब मुझे हरा नजर आता है तो अंधा की बरुआ। तुम लोग यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? हमारे दिलों में एक शक ने घर पैदा कर दिया है। कैसा शक? वो ये कि हमारी कलेक्टर कुंवारी है या शादीशुदा, शक्ल से तो कुंवारी लगती है और बातों से ब्याहता। अब शक ये है कि कुंवारी है शादीशुदा है या विधवा। बस ये पूछना था तुम लोगों को। जी विधवा नहीं हो सकती क्योंकि उनके गले में मंगलसूत्र है और उसका एक बच्चा भी है। अब बच्चा है तो पति भी होना चाहिए। तो सर शायद आपको पता होगा उनका पति कौन है। हो सकता है सर पति ने छोड़ दिया हो। अबे बीरबल मालूम होता तेरी अकल का तो दीवाना निकल गया है। अबे कलेक्टर जैसी खूबसूरत बीवी को कौन घर छोड़ सकता है? तुम लोग यहाँ काम करने आते हो या बकबक करने?
ऐसे क्या हो गया? कल तक तो ठीक था। नहीं नहीं पापा, मुझे शी आ रही है। ओफ, कभी शू कभी शी, हमेशा गलत टाइम पे परेशान करता है। ऑफिस का टाइम 10:30 बजे है, इसलिए हर एक क्लर्क को ठीक 10:30 बजे अपनी सीट पर मौजूद रहना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि कोई भी बिला वजह देरी से आए या छुट्टी ले। यस मैडम, मुझे कलेक्टर से मिलना है। जरा ठहरिए, मैं उनसे पूछ कर आता हूँ। जाइए, आपको बुला रही हैं। मैं ऑफिस के मामले में बड़ी सख्त हूँ, मैं किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगी। और हाँ, एक बात तो मैं कहने ही भूल गई, 3 दिन के अंदर अंदर हर खत का जवाब दे देना चाहिए, समझे? यस मैडम। ये सूचना सबको पहुंचा दी जाए, ये लीजिए। राइट मैडम। नेक्स्ट। दुर्भाग्य ने बड़ी बेरहमी से हमें एक दूसरे से जुदा कर दिया। कम से कम आज मुझे अपना अपना चरण छूने का अधिकार दीजिए। अरे जी, क्या करें, उठिए, कोई देख लेगा, आप कलेक्टर हैं, बैठिए। आप भी बैठिए। मैं कैसे बैठ सकता हूं, मैं तो एक क्लर्क हूं, और कलेक्टर के सामने क्लर्क कैसे बैठ सकता? आपकी पत्नी और बच्चे कैसे हैं? जी, मेरी शादी के बारे में आपको कैसे मालूम हुआ? मैं मर्दों को अच्छी तरह जानती हूँ। आप मुझे गलत समझ रही हैं। मेरे साथ जो धोखा हुआ उस पर शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आपको सच बताकर मेरा दिल जरूर थोड़ा हल्का हो जाएगा। मैं जब दिल्ली से वापस आया तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि आप गंगा में डूब कर मर गई। मैं तो समझी थी आपकी माँ ने सिर्फ हमारा रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन उन्होंने तो मुझे भी खत्म कर दिया। लेकिन मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। मेरा दिल कहता रहा कि आप जरूर जिंदा हैं, और इसी उम्मीद को लेकर मैं आपके शहर चल पड़ा। बाबूजी, बाबूजी, मोहन बेटे गजब हो गया, मोहन बेटे गजब हो गया। बहू के मरने की खबर सुनकर हम पर तो बिजली टूट पड़ी, मुझसे रहा न गया, इसलिए तुम्हारे ससुर जी से मिलने मैं यहाँ चला। मगर देखता हूँ कि बेटे के मौत के दुख के मारे वो लोग घर छोड़कर चले गए। बेटा क्या? हाँ बाबू, बहुत बुरा हुआ उनके साथ। बेटी बिचारी गंगा नहाने गई थी, पैर फिसल गया, डूब कर मर गई। शिवदयाल जी का कोई पता ठिकाना? जी हमें तो कुछ नहीं मालूम, सुना है शहर छोड़कर चले गए। अब मेरी समझ में आ रहा है कि वो सारी साजिश मेरे मामा की थी। उस किरायेदार से काला झूठ बुलवाने के लिए मामा ने ही पैसे दिए होंगे। कितना बड़ा धोखा, कितना बड़ा जुल्म। यही नहीं, पिताजी के स्वर्गवास के बाद उन्होंने मेरी माँ को फंसाकर हमारी सारी जायदाद हड़प ली और उसे शराब पी पी कर उड़ा दिया। उन्होंने अपने आप को ही नहीं बल्कि हमारे सारे घर का सत्यानाश कर दिया। मेरी दूसरी शादी रचाने के बाद माँ भी चल बसी है। अब इस दुनिया में मेरे साथी मेरी पत्नी सीमा और मेरे दो बच्चे हैं। और मेरे साथी आपके हाथों से मेरे गले में बांधा हुआ यह मंगलसूत्र और के प्यार की निशानी एक बच्चा। बच्चा कैसा है वो, क्या नाम है उसका? मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आप अपने बच्चे के बारे में जानने के लिए बेचैन हैं। उसका नाम रमेश है। रमेश, देखिए मुझे आपसे एक विनती करनी है। विनती नहीं, आप क्या कीजिए?
हमारे बीच की ये दूरी दूरी रहे तो अच्छा है, क्योंकि दुनिया वाले हमारे इस संबंध को नहीं जानते। ये आपके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि आप एक बहुत ऊंचे ओहदे पर हैं, और मेरे परिवार के लिए भी, क्योंकि उनका मुझ पर अटूट विश्वास है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं औरतों को अच्छी तरह जानता हूं, मेरा मतलब मेरी पत्नी सीमा को। आप गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको घर छोड़ दूंगी। साइकिल ड्राइवर ले आएगा। जी ठीक है, साइकिल ठीक हो गई है, मैं चला जाऊंगा, आप जाइए। हम दोनों एक ही रास्ते पर जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको ओवरटेक नहीं करना चाहती। मेरा मतलब है, मैं आपसे आगे नहीं जाना चाहती। जिंदगी के रास्ते में तो आप मुझसे कहीं आगे निकल गई, फिर इस रास्ते पे आगे निकल गई तो क्या हुआ? साइकिल और गाड़ी की रफ्तार में हमेशा फर्क रहा है और रहेगा। ये तो लीजिए। ये क्या? उस दिन आपने मुझे हार पहनाया था, वही फोटो लीजिए। उस दिन उसने इसे हार पहनाया, आज ये उसे क्या दे रही है? प्रेम पत्र। गोपाल विवाह। शुक्रिया। अच्छा मैं चलता हूं। बाहर बारिश तो नहीं हो रही है? हाँ, बारिश बाहर नहीं हो रही है। गुड इवनिंग रमेश। गुड इवनिंग मम्मी। अरे रमेश, ये क्या, शाम के वक्त तो बच्चे खेला करते हैं और तुम ये पेंटिंग बना रहे हो? मम्मी, मैं अपनी कल्पना से डैडी का चित्र बना रहा हूँ। कल्पना से? हाँ मम्मी, क्या डैडी ऐसे होंगे? नहीं नहीं। अच्छा तो ऐसे होंगे। ऐसे भी नहीं। ऐसे भी नहीं, जरा ठहरिए। मम्मी, डैडी ऐसे जरूर होंगे। ऐसे? क्या बताऊं तुझे, मैं इतनी बदनसीब हूं कि तुझे कुछ समझा भी नहीं सकती। क्या है पप्पू? पापा। ओ समझ गया, तेरे पापा ने जरूरी मीटिंग का नोटिस भेजा है, जरूर कोई जरूरी बात होगी। मैं अभी आया। क्यों मनसुख बाबू, बच्चे को भी ऑफिस के काम पर लगा दिया? अबे ऑफिस के नहीं,
घोटाले के जो ऑफिस में हो रहा है, अपने ऑफिस के हीरो हीरोइन का प्यार बड़े जोरों में महक रहा है। तब तो प्यारे तुम्हें लगाने बुझाने के लिए बहुत ही मसाला मिल गया होगा। थैंक यू। नमूना तो दिखाओ। अभी नमूना तो पुड़िया में बंद था, मैंने अपनी आंखों से देखा। कलेक्टर गाड़ी से उतरी, मुस्कुराई, प्रेम पत्र उसके हाथ में दिया और उसने भी मुस्कुराकर अपने हाथ में लिया। डैडी, रमेश, नमस्ते। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, मैं मोहन हूं, आपका दामाद। सच मानिए, मैं बिल्कुल निर्दोष हूं, मुझे खुद धोखे में रखा गया। आज आशा ने अपने बेटे के, हमारे बेटे के बारे में बताया तो मैं खुशी से पागल हो उठा। मुझे तो ये ख्याल भी नहीं रहा कि वो 10 साल का हो गया होगा। ये छोटे मोटे खिलौने लाए उसके लिए। मैं चला जाऊंगा, एक बार नजर भर के अपने बेटे को देख लें दीजिए, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। रमेश इधर आ। इसके आगे नहीं। ये कौन है नाना जी? तुम्हारी कलेक्टर मम्मी के सामने हाथ बांध कर खड़े रहने वाला एक मामूली हेड क्लर्क, जिसे एक जमाने में ये भी मालूम न था कि गरीबी और अमीरी में क्या फर्क होता है। एक बेवक्त आने वाला बिन बुलाया मेहमान, इससे कहो कि चला जाए यहां से। कहो कि चला जाए यहां से। जाइए जाइए ना, गेट आउट। ये क्या, आज तो तुम कुछ खा ही नहीं रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें? उस कलेक्टर ने आज फिर तो नहीं डांटा तुम्हें? नहीं, वो मेरे पाप पड़ी और माफी मांगने लगी। रमेश, ये रहा तुम्हारा सामान। मम्मी, आपके दफ्तर के हेडक्लर्क आए थे। हाँ मम्मी, और नाना जी के कहने पर मैंने उन्हें घर से निकाल दिया। पिताजी, वो पहली बार हमारे घर आए और आपने सम्मान के बजाय उनका अपमान किया, उन्हें घर से निकाल दिया। तुम शायद भूल गई कि उसने तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दिया, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकता, इसलिए मैंने उसी की संतान से, उस हैवान को घर से निकाल दिया। ये तो बदले की आग में पहली आहुति है, वो जिंदगी भर तड़प कर बिलक कर, यही मेरी सबसे बड़ी तमन्ना है। अगर यही आपकी तमन्ना है तो आपकी तमन्ना कभी पूरी ना हो, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। मत भूलो कि मैंने तुम्हें कलेक्टर बनाया है, एहसानों को भुला देना इंसानियत नहीं है। दुश्मन को भी क्षमा कर देना, यही इंसानियत है पिताजी। अगर मुझे मालूम होता है कि मेरी बेटी एक कायर, एक कमीने की तरफदारी करेगी, तो मैं कभी उसे कलेक्टर न बनाता। अगर मुझे ये मालूम होता कि आप मेरे हाथों से मेरे पति का अपमान कराने के लिए मुझे कलेक्टर बना रहे हैं, तो मैं कभी कलेक्टर नहीं बनती, कभी नहीं, कभी नहीं। ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम पिनाकिनेय नमः। किसके नाम से पूजा करनी है? इनके नाम से, आज इनका जन्मदिन है। मोहन नाम है मेरा, गोत्र भरद्वाज। रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो, सब लोग एक तरफ हो जाओ, रास्ता छोड़ो। जरा लीजिए, मैं अभी आया। ये
कौन है ये? यही कलेक्टर है। ओ, कलेक्टर होगी ऑफिस में या मंदिर में? भेदभाव किस लिए? हम सब इससे कम हैं क्या? पुजारी ने पूजा की थाली वापस लौटा दी, मुझे तो कोई अपशुकन लग रहा है। नमस्कार। नमस्कार। पूजा आपके नाम से की जाए? जी नहीं, आज इसका जन्मदिन है, इसके नाम से पूजा करानी है। इसका नाम? देव जी, इसका नाम? इसका नाम मोहन, गोत्र भारद्वाज। ओम शिवाय नमः, ओम महेश्वराय नमः। चलो चले। ठहरो, कलेक्टर के बाद पूजा करके जाएंगे। कोई जरूरत नहीं, मेरे नाम से बहुत धूमधाम से पूजा हो रही है। चलो। हमारे और भगवान के बीच मंदिर के नंदी बैल की तरह न जाने कहां से अटकती, मैं भी देख लेती हूँ। चलो। गोपाल, मालूम है आज मंदिर में मैंने अपने हीरो हीरोइन को देखा, जानते हो वो क्या कर रहे थे? में फर्क होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मंदिर में तो क्या, कहीं भी फर्क नहीं होना चाहिए। लेकिन फर्क है, इस दफ्तर में कई मर्द कलेक्टर आए और मेरे पति ने उनके मातहत काम किया, लेकिन उन दिनों जब वे दफ्तर से घर वापस आते थे तो खुशियों के फूल बिखेरते चले आते थे, और अब न उनके मुंह पे वो मुस्कुराहट है न खुशियों के फूल। ये बात है, ऐसी कौन सी भूल हो जाती है उनसे, पहले भी तो दफ्तर में वही काम किया करते थे, क्या आप उनसे भी ज्यादा होशियार हैं? ये बात है, आप मेरी हर बात को ये बात है कहकर हंसी में क्यों उड़ा रही हैं? कोई रसोई बनाने वाली दफ्तर में अफसर बन के बैठ जाए तो वो मर्दों को अपनी अफसरी की शान नहीं दिखाएगी तो और क्या करेगी? खूब कहा। मैडम, ये जबरदस्ती अंदर घुस आई, मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की मगर ये माने ही नहीं। कौन हो तुम, अंदर क्यों आई? सुनो, जल्दी से इनके लिए कप चाय ले आओ। जाओ। लेकिन मैडम ये बात। मिस्टर जगदीश, यू मे गो नाउ प्लीज। सॉरी मैडम। बैठिए। हाँ हाँ बैठिए बैठिए। अच्छा ये बताइए, आपका गुस्सा ठंडा हुआ क्या? मुझ पर और भी गुस्सा निकालना है? जी नहीं,
अगर आपकी जगह कोई मर्द कलेक्टर होता और मेरे पति पर नाराज होकर कुछ कहता तो मैं बुरा नहीं मानती, मगर एक स्त्री कलेक्टर उन पर लाल पीली हो यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए मैं यहाँ चली आई। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर। अरे अरे दीदी, ये आप क्या कर रही हैं? रोइए नहीं, मैं जानती हूँ औरत को अपने पति का सम्मान बहुत प्यारा होता है। आइंदा मैं कभी आपके पति को कुछ नहीं कहूंगी, कभी नहीं। अब तो आप खुश हैं ना? नमस्ते। नमस्ते। बैठी। अरे रानी बिटिया, अगला आइटम म्यूजिकल चेयर्स है जिसमें सिर्फ महिलाएं भाग लेंगी। चलिए। एक दो तीन चार पाँच छः और सात, अरे एक दो तीन चार पाँच छः और सात, सात साथ ही खेल खेले छूट न जाए साथ, अरे सात साथ ही खेल खेले छूट न जाए साथ। एक दो तीन चार पाँच छः और सात, सात साथ ही खेल खेले छूट न जाए साथ। गई गई ओ गई गई गई, नीली जिसकी साड़ी निकली बड़ी अनाड़ी, रह गए छह खिलाड़ी। गई ओ गई ओ गई गई गई, नीली जिसकी साड़ी निकली बड़ी अनाड़ी, रह गए छह खिलाड़ी। एक हारे एक जीते शर्म की क्या है बात, अरे एक हारे एक जीते शर्म की क्या है बात, छह साथी खेल खेले छूट न जाए साथ। गई ओ गई ओ गई गई गई, तीखी जिसकी अखियां मीठी जिसकी पतियां, रह गई पांच ही सखियां। गई ओ गई ओ गई गई गई, तीखी जिसकी अखियां मीठी जिसकी पतियां, रह गई पांच ही सखियां। एक हारे एक जीते शर्म की क्या है बात, अरे एक हारे एक जीते शर्म की क्या है बात, पांच साथी खेल खेले छूट न जाए साथ। गई ओ गई गई गई, नाम है जिसका राखी जिसने की चालाकी, रह गई तीन ही बाकी। गई ओ गई ओ गई गई गई, नाम है जिसका राखी जिसने की चालाकी, रह गई तीन ही बाकी। एक हारे एक जीते शर्म की क्या है बात, अरे एक हारे एक जीते शर्म की क्या है बात, तीन साथी खेल खेले छूट न जाए साथ। ला 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 ला। आप बैठिए, आप बैठिए ना, मैं कहती हूँ आप बैठिए। आप कलेक्टर हैं, मैं आपको कैसे हरा सकती हूँ? बैठिए, आप बैठिए, आप जीत चुकी हैं। नहीं नहीं, इस हार जीत के मुकाबले का पहला इनाम कलेक्टर श्रीमती आशा देवी और हमारे हेड क्लार्क की पत्नी श्रीमती सीमा देवी ने आपस में मिलकर बांट लिया है।
Can I come in, madam? Oh, come in. साहब क्या है? आपको कलेक्टर जी ने बुलाया है। अब मैं देखते नहीं काम कर रहा हूँ। उन्होंने भी काम से ही बुलाया है। कलेक्टर ने बुलाया? नमस्ते। मिस्टर मंसूर, आप ऑफिस की फाइल और जरूरी कागजात इस बच्चे के हाथ में दे देते हैं? मैं इसको अभी से ऑफिस का काम सिखा रहा हूँ ताकि मेरे बाद इसको मेरी जगह मिल जाए। पप्पू, मैडम को नमस्ते कर। टाटा। अबे टाटा तो जब कोई जाता है तब करते हैं, ये तो अभी आई है, 3 साल तक नहीं जाएंगी। नमस्ते कर। माँ चाहिए। यहाँ नहीं। क्या आप रोजाना बच्चे को दफ्तर में लाते हैं? रोजाना नहीं, इतवार और छुट्टियों के दिन छोड़ के। सवाल का जवाब दीजिए, क्या ये सच है आप बच्चे को ऑफिस में लाते हैं? क्या करूँ मैडम, मेरा बच्चा इसलिए ले आता हूँ। इसका मतलब ये है जिनके बच्चे हैं वो सभी अपने बच्चे को ऑफिस में लेके आएंगे? उन सबकी पत्नी है, मेरी पत्नी नहीं, मैं विधवा हूँ। मेरा मतलब है मेरी पत्नी विधवा है। मिस्टर मंसूर, शिकायत ये है कि आपके बच्चे ने इनकी टेबल का कागज फाड़ दिया है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? कहना ये है कि मिस माला परेशान थी कि पेपर के बारे में किया क्या जाए। मेरे पप्पू ने पेपर फाड़ कर इनकी मुश्किल आसान कर दी कि ये है ना काबिल बच्चा। मैडम, ये पाबंदी लगा दी जाए कि कल से ये बच्चे को ऑफिस में न लाए, काम का नुकसान होता है। माला, तुम जाकर अपना काम करो, मैं देखती हूँ। मैं भी जाकर अपना काम देखता हूँ। मिस्टर पप्पू, ऐसा कर, तू डिपार्टमेंट में जा, दूसरे क्लर्कों के साथ खेला जा। मिस्टर मनसुख, आप कल से अपने बच्चे को ऑफिस में नहीं लाएंगे, ये मेरा ऑर्डर है। ठीक है, कल से मैं भी नहीं आऊंगा, कोर्ट में जाऊंगा, कोर्ट से इंसाफ मांगूंगा कि जिनका बच्चा है और बीवी नहीं है उनके बच्चों को ऑफिस में लाने की इजाजत मिलनी चाहिए। अगर वहाँ हार गया तो माफ कीजिए हाई कोर्ट में जाऊंगा, अगर आप हाई कोर्ट में आएंगी तो माफ कीजिए मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। मिस्टर मनसुख, आप क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं? मैं बिल्कुल सीधी बात कर रहा हूँ, आपको तो मुझ पे तरस खाना चाहिए। देखिए ना, मेरा बच्चा 7वें महीने में पैदा हो गया था और जब 7 महीने का हुआ तो बीवी मर गई। आप बताइए 7 महीने का खुद क्या करूँ? आप मेहरबानी करके जाइए। अब कहाँ? अब कुर्सी पे के कोर्ट में जाइए और अपना काम कीजिए। थैंक यू, शुक्र है भगवान, अब 3 साल तक की फुर्सत। अरे बेटे पप्पू, अकेले बैठे क्या कर रहा? अरे बेटे, ये काम की चीज तुझे कहाँ से मिली? आंटी के पास। ए शाबाश, तेरा जवाब नहीं। अबे बेटा, तो बाप से भी 2 घर आ गए। सच कहा है किसी ने, काजी के घर के चूहे भी सियाने। बीरबल, गोपाल, अरे अभी तक तो हम लोग खाली मुंह जुगाली कर रहे थे, लेकिन अब चबाने को ऐसे मिल गए हैं दाने कि तुम लोगों के होश लग जाएंगे ठिकाने। क्या है, क्या है, क्या बात है? अरे भी कौन सी लाटरी? अबे लाटरी नहीं, खजाना मिल गया है। अभी तक तो हम लोग बेपरती उड़ाया करते थे ना, लेकिन अब मेरे बेटे ने पर कतर डाले हैं और सबूत ले आया है। छी छी छी, एक दूसरे को प्रेम पत्र देना और दफ्तर में फोटो देखते रहना, पर मुझे ठीक नहीं लगता। अरे वारे ईमानदारी के पुतले, इसको मालूम नहीं कि काम करने से तो तरक्की मिलेगी, इंक्रीमेंट मिलेगा, लेकिन ये चीज कहाँ मिलेगी? अरे प्यार की कहानी, मोहब्बत की निशानी। इस फोटो को देखकर क्या समझे तुम लोग? कलेक्टर है, हेड क्लर्क की रखेल है। उल्टा समझे, उसकी क्या हैसियत कि वो इनको रखेल रखे? मैं समझ गया, हेड क्लर्क कलेक्टर का रखेला है। बिल्कुल, तू एकदम ठीक समझा। अबे तू तो सचमुच बीरबल है। अरे भाई बड़े भाग है मोहन के। बिल्कुल, देखो ना, मैं एक बीवी को तरस रहा हूँ और किसी के पीछे दो दो पड़ी हैं। लेकिन अब हमें क्या करना होगा? अबे करना क्या है, बाप का बतंगड़ बनाना, तिल का तार बनाना और राय का पहाड़ बनाना। रानी की माँ, तुम्हारा टेलीफोन। मेरा टेलीफोन? आई जमना बहन, इन्हीं का फोन होगा, तभी तो ठीक है ना इनके। कैसी हो जमना बहन? अच्छी हूँ। हेलो, आप मोहन बाबू की श्रीमती बोल रही हैं? जी हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? हम आपके हित चिंतक, शुभ चिंतक। देवी जी,
हमें आपकी खुशी में खुशी और दुख में दुख 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 है। हमारा मतलब हम हर हाल में आपके हमदर्द हैं। वो तो ठीक है, लेकिन बात क्या है? उस बात को सुनने के लिए मन भर का मन चाहिए। जी? बेचारी किस्मत की मारी दुखियारी। एक बात यह है कि हमारे जिले के जिलाधीश कलेक्टर आशा देवी आपके पति मेरा मतलब है मोहन बाबू के साथ प्रेम कर रहे हैं। बहुत सीधी हैं आप और भोली भी, हमें भी कहते हुए शर्म आ रही है, लेकिन क्या करें, आपके पति और श्रीमती कलेक्टर के बीच कुछ नाजायज ताल्लुकात की खबरें आप समझ तो गई होंगी। इतना तो समझती होगी ना अजी। और कुछ दिन यही चक्कर चलता रहा तो हेड क्लर्क के परिवार का क्या होगा? सत्यानाश। हेलो हेलो, मालूम होता टेलीफोन रख दिया, खबर बहुत सा लेट बैठी। फालतू काम तो बहुत हो गया, अब चलो जरा दफ्तर का भी काम कर। मिस्टर मोहन, मैंने फाइल को आपके हवाले करते हुए ये कहा था कि ये फाइल बहुत ही जरूरी है, इसे संभाल के रखना, और आप मुझसे एक बच्चे की तरह कह रहे हैं फाइल खो गई। आप जानते हैं इस फाइल के खो जाने से सरकार को 2,00,000 रुपए का नुकसान होगा। जी हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं खुद हैरान हूँ कि ये फाइल कैसे खो गई। ये जानना मेरा काम नहीं, मैं अभी कलेक्टर से आपकी रिपोर्ट करता हूँ। जी नहीं, ऐसा मत कीजिए, मुझे थोड़ा सा समय और दीजिए उसे ढूंढने के लिए। और आज मैं आपको 2 घंटे का टाइम देता हूँ, एंड यू मस्ट फाइंड आउट दैट फाइल, अंडरस्टैंड? आप जा सकते हैं प्लीज। सीमा, कभी कभी आंखों देखा झूठा हो जाता है, इसलिए कालो सुनी बात पर तो बिल्कुल यकीन नहीं करना चाहिए। किसी ने टेलीफोन पर दिल्लगी की होगी। बच्चे दिल्लगी के लिए मेंढक पे पत्थर मारते हैं, लेकिन उनकी दिल्लगी मेंढक की मौत बन जाती है। बेटी, शायद किसी दुश्मन ने शरारत की हो। उनका दुश्मन कौन हो सकता है, वो तो कितने अच्छे आदमी है। देखा, अब तू कह रही हो कितने अच्छे आदमी है, फिर तू क्यों परेशान होती है? बेटी, ऐसी बातों को इस कान से सुना करो, उस कान से निकाल दिया करो, समझी? बैठिए। जी ठीक है, आपने इस पे लिखा है मुझसे मिलिए, इसलिए आए। मैं आपके साथ उस फाइल के बारे में बात करना चाहती थी। जी, वो जरूरी फाइल खोकर मैं आपके सामने अपराधी बना खड़ा हूँ। विश्वास के साथ आपके हाथ सौंपी हुई चीज को आखिर तक संभाल कर रखना क्या आपका फर्ज नहीं? मुझे अफसोस है, मैंने उसे हर जगह तलाश की मगर वो मुझे कहीं नहीं मिली। आपने अच्छी तरह तलाश की? अपनी जान से भी प्यारी चीज की तलाश में जो कोशिश की जाती है वो मैंने की, मगर वो मुझे नहीं मिली। जब तक इंसान के मन में आशा है उसे हर चीज मिल सकती है, लेकिन जब वो अपने मन से आशा को निकाल देता है तो उसकी कोशिशें कामयाब नहीं होती। मैं उम्मीदवारी आशा को कह रही हूं। आई मीन होप, विश्वास। डोंट डाउट माई सिंसेरिटी। मैं सच कहता हूं, मैं जिंदगी भर तलाश करने के लिए तैयार था, लेकिन जब से आपकी मौत की खबर सुनी मेरे सारे उम्मीदों पर पानी फिर गया। मैं फाइल के बारे में पूछ रही हूं। मैंने सोचा हम अपनी लाइफ के बारे में बातें कर रहे हैं, अपनी जिंदगी के बारे में। वो फाइल आपने आखिर बार कब देखी थी? पिछली 20 तारीख को मैं वो फाइल अपने घर ले गया था पढ़ने के लिए, और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं उसे वापस दफ्तर ले आया। तो फिर वो गई कहां? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बाकी की सारी फाइलें तो गोदरेज खाने में मौजूद है। यकीन मानिए, ये जिंदगी में पहली बार है कि मेरे हाथों कोई चीज खोई है। पहली बार आप किसी चीज को खोए हैं, ये आप कह रहे हैं, और वो भी मुझसे। जी, लेकिन साहब, आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो फाइल बहुत जरूरी थी, इंपॉर्टेंट थी। अगर वो नहीं मिली तो हमारे दफ्तर की इज्जत का क्या होगा? आपकी और मेरी ईमानदारी पर शक किया जा सकता है। ये घरेलू मामला नहीं है साहब, ये सरकारी मामला है। ये आप मुझे साफ साफ कहकर क्यों मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं? और आप मुझे आप कहकर क्यों तड़पा रहे हैं?
ये बताइए, वो फाइल अभी तक बंद नहीं हुई ना? जी नहीं। और आप ये भूल गए कि जब तक वो बंद ना हो जाए, जब तक उसे मिटा ना दिया जाए और जब तक उसे आग ना लगा दी जाए, उसकी सारी जिम्मेदारी आप पर है। जब हम किसी चीज की तलाश में रहते हैं तो वो चीज कभी हाथ नहीं आती, मगर एक दिन जब हम उसकी याद तक को दिल से भुला देते हैं तो वही चीज अचानक आंखों के सामने आ धमकती है। हम फाइल के बारे में ही बात कर रहे हैं ना? Undoubtedly, हम फाइल के बारे में ही बात कर रहे हैं। आपने तो हर बात को उलझा दिया है। मैं आपको 2 दिन की मोहलत देती हूं, आप फाइल की तलाश कीजिए। पीए ने राय दी है कि इस लापरवाही के लिए आपको काम से मुअत्तल कर दिया जाए। उनका कहना भी सही है, लेकिन लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। गुजरी हुई बातों को दिल में रखकर इस गलती के लिए मुझे सजा मत दीजिए, मेरी जिंदगी तबाह मत कीजिए। जिंदगी को तबाह मर्द करते हैं, औरत नहीं। मेरे 2 भोले भाले बच्चे हैं, उन पर रहम कीजिए। और अगर यही सवाल मैं आपसे करूं तो, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरा भी एक मासूम बच्चा है, आपसे तो आप क्या जवाब देंगे? आप सिर्फ फाइल खोकर मुझसे दया की याचना कर रहे हैं और मैं अपनी लाइफ खोकर भी आपसे दया की भीख तक नहीं मांग सकती, क्योंकि क्योंकि आपने दूसरी शादी रचा ली है। नो, मैं फाइल के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। I'm not talking about the file. I'm talking about me. Me. देखा पिताजी, 9 बज गए और वो अभी तक नहीं आए। सीमा, पिताजी क्या आप ये समझते हैं कि वो अभी तक दफ्तर में होंगे? इधर आओ। देखो बेटी, लकड़ी जल जाती है तो भी कोयला बनकर किसी और के काम आ जाती है, मगर दिल जलने से किसी काम का नहीं रह जाता। बेटी, दिल जलाने से बेहतर यही होगा कि तुम अपने विश्वास को सींच कर और मजबूत बनाओ। इसी में तुम्हारा और इस घर का कल्याण है, समझी? मामा, ये सवाल हल नहीं होता, हर बार जवाब गलत आता है। मैं भी भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सवाल गलत हो। क्या कह रही हो माँ? मैं तेरी पुस्तक के सवाल के बारे में नहीं, अपने दिल के सवाल के बारे में कह रही हूँ। सुरेश, आए तेरा। सुन बेटा, तू उस कलेक्टर ने का घर जानता है? मैंने सिर्फ एक बार देखा है, उनका लड़का हमारे ही स्कूल में पढ़ता है। फिर तो बहुत अच्छा हुआ। देख, ऐसा कर, तू उनके घर जा, लेकिन देख इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वहाँ जाकर क्या करूँ माँ? देख करा तेरे पिताजी वहाँ है या नहीं। क्यों माँ? क्यों और क्या मत पूछ, जैसे कहा वैसे कर, जा। माँ मुझे बहुत भूख लगी है। वहाँ से आकर खाना, अगर तू वहाँ से अच्छी खबर लाएगा कि तेरे पिताजी वहाँ नहीं है तो मैं तुझे मिठाई खिलाऊंगी। अच्छा माँ। सीमा, सुना है कि पुराने जमाने में एक राजा दूसरे राजा का भेद जानने के लिए जासूस छोड़ा करते थे, मगर यह नहीं सुना कि किसी पत्नी ने अपने पति के पीछे जासूस छोड़ा हो। बेटी बेटी, ये बहुत बुरी बात है। दुनिया में हर बीमारी का इलाज है, सिर्फ शक की बीमारी का कोई इलाज नहीं। ये बीमारी लग जाए इंसान दूसरों पर ही नहीं बल्कि अपने आप पर भी विश्वास खो बैठता है।
रमेश ये कौन है बेटे? मम्मी ये मेरा दोस्त है, ये हमारे ही स्कूल में पढ़ता है। अच्छा क्या नाम है तुम्हारा बेटे? सुरेश। सुरेश जी हाँ, मेरे पिताजी कलेक्टर ऑफिस में हेड क्लर्क है, उनका नाम मोहन बाबू है। तुम्हारी मम्मी और बहन अच्छी है ना? रमेश की मम्मी अब जानती है उन्हें, मेरी मम्मी कलेक्टर है, सब कुछ जानती है, सबको जानती है ना मम्मी? पहले ये तो बताओ कि तुम दोनों में दोस्ती कैसे हुई? हमारे क्लास में एक रमेश ही ऐसा लड़का है जो रोज अच्छे अच्छे नए नए कपड़े बदल कर आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कौन, रमेश या कपड़े? दोनों। अच्छा अच्छा, तुम्हारे लिए भी ऐसे कपड़े बनवा देंगे, पहनोगे ना? क्या सोचने लगे, तुम्हारे घर वाले कुछ नहीं कहेंगे। रमेश तुम्हारे पास इसी तरह की एक ड्रेस है ना, सुरेश को पहनने दे दो। अच्छा मम्मी, रमेश की मम्मी क्या बात है बेटे, अब बहुत बहुत अच्छी हैं। रमेश की मम्मी। अच्छा तो अब वो अपने लड़के को यहां भेजकर मेल जोल बढ़ाना चाहता है। अच्छा, भिखारी अगर भीख के लिए हाथ बढ़ाए तो उसे टुकड़ा डाल दो, लेकिन भिखारी को सर पर बिठाना हिमाकत है। इस नादान बच्चे का क्या दोष पिताजी? उसका सबसे बड़ा दोष यही है कि वो एक कमीने और धोखेबाज की औलाद है, उससे संबंध रखने वाले हर चीज से मुझे नफरत है। पिताजी मेरा भी तो उनसे संबंध है, इसीलिए तो मुझे कभी कभी तुमसे भी नफरत हो जाती है। मम्मी मम्मी क्या बात है बेटे, ये ड्रेस सुरेश को कितनी अच्छी लग रही है। आहा, तुम दोनों भाई भाई लगते हो, तुम दोनों हमेशा राम और लक्ष्मण की तरह प्यार से रहना, समझे? सुरेश बाद में मैं तुम्हें घर छोड़ाऊंगी, चल अब खाना खा। मैंने तुझे कुछ पता लगाने भेजा था, भीख मांगी, शर्म नहीं आती? क्या मैं तुझे खाना नहीं देती, भूखा मारती हूँ? अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन यही हाल रहा तो बहुत जल्दी हो जाऊंगी। क्या हो गया तुम्हें? कोई इसे कंगाल समझ के नए कपड़े देता है और ये बेशरम उन्हें पहनकर यहाँ खड़ा होता है। तो क्या हुआ, आखिर वो छोटा बच्चा है। छोटे बच्चों को तो मारकर सुधारा जा सकता है, पर बड़ों को कैसे सुधारा जाए? ये पहले क्या बजा रही? खैर जाने दो, ये बताओ हमारी शादी को कितने साल हुए? 10 साल। मैं रोज सुबह कितने बजे उठती हूँ? 4 बजे। कितने बजे सोती हूँ? रात के 12 बजे। मैं दिन भर मरती खपती हूँ किसके लिए? इस घर के लिए ना। बताओ इस 10 साल में कभी कोई गलती की है मैंने? कभी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ गई हूँ मैं? तुम्हारे या तुम्हारे बच्चों की सेवा में कभी कोई कमी रखी है मैंने? आखिर तुम कहना क्या चाहती? कभी रेशमी साड़ियां या सोने के गहने मांग कर मैंने तुम्हें तकलीफ दी है? सीमा, कभी मैं अपनी किस्मत पर रोई हूँ कि मेरे पति कलेक्टर नहीं क्लर्क है? सीमा, अगर मेरी जगह कोई दूसरी लड़की होती तो आज तक पागल हो जाती। रुक क्यों गए, मारो खूब मारो, मैं इस दुख को बर्दाश्त कर लूंगी, उठ तक नहीं करूंगी, लेकिन इससे बड़ा दुख देकर इस दुख को छोटा मत बनाओ, इसी को बड़ा रहन दो, यही प्रार्थना करती हूँ। घुमा फिरा की बातें क्यों करती हूँ, तुम्हें जो कुछ कहना है साफ साफ कहो, थोड़े में कहो। ये बात है, ये बात जितनी दया आप में है बाबूजी, उससे आधी भी आपकी बेटी में नहीं। मैंने उनसे कहा जी तरक्की चाहिए, उन्होंने कहा कि तशरीफ ले जाइए, मैंने कहा जी, उन्होंने कहा कि गेट आउट, जी हाँ गेट आउट। तो तुम्हारी तरक्की के रास्ते में क्या अड़चन है? बहुत अड़चन है बाबूजी, दरअसल मैंने थोड़ी सी रिश्वत ले ली थी, बस इस मामूली सी बात में ही मुझे पीछे धकेल दिया और मुझसे उम्र में छोटे, दर्जे में छोटे, तजुर्बे में छोटे मोहन को क्लार्क से हेड क्लार्क बना दिया। मैंने हर कलेक्टर के सामने अपने हाथ पैर जोड़े हैं तरक्की के लिए, लेकिन किसी ने नहीं सुना।
तो मोहन तुम्हारे रास्ते का रोड़ा। जी हाँ, उसकी जगह तुम्हें मिलनी चाहिए। बिल्कुल बाबूजी, वो आदमी भी अच्छा नहीं है, बहुत बुरा आदमी है। ये तो मैं भी जानता हूँ बाबूजी, लेकिन अब चक्कर में फंस गया बच्चू। हमारी ऑफिस की एक जरूरी फाइल खो जाने के चक्कर में फंस गया। फाइल? जी हाँ बाबूजी, अगर ये फाइल वाकई हो गई ना तो हमारे ऑफिस को कम से कम 2 लाख रुपए की चपत लगेगी। 2 लाख? बिल्कुल बाबूजी। मिस्टर दुबे। जी हुजूर। जैसा मैं कहूंगा तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। मैं उससे भी ज्यादा करूंगा हुजूर, बस मुझे मोहन बाबू की कुर्सी पे बिठा दीजिए सरकार। यस, मैं कलेक्टर का पीए बात कर रहा हूँ। कहिए, क्या हेड क्लर्क मोहन बाबू ने ऐसा किया? यकीन नहीं होता। आप कौन साहब बोल रहे हैं? व्हाट, नाम जाहिर नहीं करेंगे? देखिए मिस्टर, गलत खबर देकर आप मुझे मुसीबत में ना डालें। साबित होने पर जरूरी कार्रवाई करूंगा। यस। आप ही मिस्टर मोहन हैं ना? जी। मैं आपकी तलाशी लेना चाहता हूं। तलाशी? क्यों, किस वजह से? वजह है नामुमकिन। मैं इस ऑफिस का हेड क्लर्क हूं। ये नहीं मालूम है, तलाशी मेरी राय से ली जा रही है। लेकिन मुझ पर इल्जाम क्या है? मुझे मालूम तो होना चाहिए। तलाशी लेने के बाद इल्जाम बता दिया जाएगा। देखिए, मैं इस ऑफिस का एक जिम्मेदार मुलाजिम हूँ। मिस्टर मोहन, मेरी जिम्मेदारी आपसे ज्यादा है। हो सकता है, लेकिन मैं किसी को अपनी तलाशी नहीं लेने दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी कार्रवाई शुरू कीजिए। क्या हो रहा है? मैडम, थोड़ी देर पहले मुझे फोन पर सूचना मिली कि हेड क्लर्क मोहन बाबू ने 5,000 रुपए रिश्वत ली। किसने सूचना दी? क्या नाम था उस आदमी का? नाम तो उसने बताया नहीं। बिना नाम जाने आपने फोन पर यकीन कर लिया, एक्शन ले लिया? एक्शन लेना जरूरी लगा मुझे, लेकिन मेरी आज्ञा के बिना आपने पुलिस को बुलाया कैसे? कम से कम आपने हमारे हेड क्लर्क की इज्जत और ईमानदारी का लिहाज किया होता। आपने बहुत जल्दबाजी से काम लिया। मैंने जल्दबाजी की? या मिस्टर मोहन ईमानदार है, इसका फैसला तलाशी लेने के बाद हो जाएगा। ठीक है, लीजिए तलाशी। मैडम, क्या आपको भी मुझ पर शक है? क्या भी चाहते हैं कि मेरी तलाशी ली जाए? इतनी बड़ी रकम आपके टिफिन बॉक्स में कहां से आई? कैसे आई? बोलिए, क्या जवाब है आपके पास? ये रुपए मेरे नहीं है, इसके सिवा मैं और कुछ नहीं कह सकता। तो उस कंपनी का विजिटिंग कार्ड आपकी जेब में कहां से आया, जिसकी फाइल इस ऑफिस से खो गई है? इसी का जवाब तो मैं खुद अपने आप से पूछ रहा हूं। तो इसका मतलब है आपके पास किसी सवाल का जवाब नहीं? मैडम, उस कंपनी के विजिटिंग कार्ड का इनके पास होना और 3 रुपयों का चोरी चोरी ले जाना इनकी रिश्वतखोरी का सबसे बड़ा सबूत है। और इससे इन पर लगा दूसरा चार्ज भी खुद ब खुद साबित हो जाता है कि वो फाइल खोई नहीं थी, बल्कि मोहन बाबू ने 5,000 के लिए जानबूझकर उस फाइल को गायब कर दिया था। डिस्ग्रेसफुल, डिस्ग्रेसफुल। इंस्पेक्टर, ऑफिस के नियम के अनुसार मैं इन पर एक्शन लूंगी। इस सिलसिले में आपकी जरूरत पड़ी तो मैं खुद आपको फोन कर दूंगी। अब आप जा सकते हैं। मिस्टर जगदीश, यस सर, कम टू माय रूम। क्या आपको पूरा यकीन है कि हमारे हेड क्लर्क ने रिश्वत ली होगी? मोहन बाबू हर रोज शाम को 7 बजे घर जाते हैं, लेकिन आज इतनी जल्दी 5 बजे घर क्यों चलती है? इस बात पर भी गौर करना चाहिए। तो अब हमें क्या करना चाहिए? उन्हें कुछ मुद्दत के लिए सस्पेंड करना होगा। यानी आप भी उन्हें सजा दिलाने पर तुले हुए हैं? ऐसी बात नहीं मैडम, हमें कायदे से चलना होगा। ऑल राइट, ऑल राइट।
इन्हें काम से मुअत्तल कर दीजिए और सस्पेंड लेटर टाइप कराकर मेरे दस्तखत के लिए भेज दीजिए। जाइए मिस्टर मोहन, आज से आपको काम पर से मुअत्तल कर दिया गया है। मैंने रिश्वत नहीं ली, मैंने रिश्वत नहीं ली, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मैडम, मैंने रिश्वत नहीं खाई, मैंने रिश्वत नहीं खाई, मैं मेहनत और ईमानदारी से इस ऑफिस में काम कर रहा हूं, मुझे इतनी बड़ी सजा और वो भी आपके हाथों, क्या आपको भी मुझ पर विश्वास नहीं है? मैं अपने बच्चों से क्या कहूंगा, यही कि मैंने रिश्वत ली है इसलिए मुझे ऑफिस से निकाल दिया। मैं अपनी पत्नी से क्या कहूंगा, मेरी पत्नी सीमा इस बात पर कभी विश्वास नहीं करेगी और तुमने इस पर विश्वास कर लिया आशा। मिस्टर मोहन, होश में बात करो, किसे तुम कह रहे हो, किसका नाम ले बेअदबी कर रहे हो, लगता है तुम पागल हो गए हो। मैडम, इससे पेशतर कहीं ये कुछ और कह बैठे, आप यहां से चले जाइए प्लीज। मोहन बाबू, मैं जानता हूं जोश में तुमने कलेक्टर जी का नाम ले लिया और पीए ने तुम्हारा अपमान कर दिया। खैर भूल जाओ इस बात, एक तो वही ऊपर वाला है, जिसे तुम किसी भी नाम से पुकारो वो कभी नाराज नहीं होगा। बेहतर यह है कि तुम उसी से शिकायत करो। चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ाऊं, चलो। क्या मैं उन्हें काम से मुअत्तल करने के लिए कलेक्टर बनी थी? क्या मैं उनका सबके सामने अपमान करने के लिए शहर में आई थी? बात खत्म हो गई बेटे, बहुत जल्द खत्म हो गई। पिताजी, मैं कुछ कह रही हूँ, आप कुछ और ही कह रहे हैं। मैं सही कह रहा, तुम्हारे दिल में खाम का दया की भावना उमड़ रही। मत भूलो कि तुम एक कलेक्टर हो और एक कलेक्टर होने के नाते तुमने अपना फर्ज पूरा किया है, बस। आपने मुझे कलेक्टर क्यों बनाया, क्यों? आप हंस रहे हैं, बदले की भावना आपके दिल से अभी तक नहीं गई पिताजी। हाँ बेटे, मुझे वो वक्त अच्छी तरह याद है, उस वक्त मैं एक मामूली सा आदमी था, लेकिन दिन रात मेहनत करके, खून पसीना एक करके मैंने अपनी बेटी को अच्छी से अच्छी तालीम दिलवाई, उसकी हैसियत बढ़ाई, उसके साथ साथ अपनी हैसियत भी बढ़ाई। कल तक जो लोग मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे थे, आज मैं उनका मजाक उड़ा रहा हूं। एक बात याद रखो बेटी, इंसान अपने ऊपर जुल्म सह सकता है, अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी औलाद के साथ हुआ अन्याय कभी नहीं बढ़ा सकता बेटी, कभी नहीं। नमस्ते। आओ मोहन बाबू, आओ बैठो बैठो। भाई मुझे तुम्हारी जगह पर काम करते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करूं, मजबूरन थोड़े दिन के लिए करना पड़ रहा है। आप क्यों परेशान होते हैं, मैं तो अपनी तनख्वाह लेने आया। अरे इसके लिए तुम्हें आने की क्या जरूरत थी, खबर भेज देते मैं खुद पहुंचा देता। क्या करें बिहारी बाबू, लेनदार घर पर आने लग गए हैं इसलिए यहां आना पड़ा। पहले ही पूरी तनख्वाह पूरी नहीं पड़ती थी, अब आधे में क्या क्या करूंगा कुछ समझ में नहीं आता। अंधेरे में से ही उजाले की किरण फूटती है, भगवान पे भरोसा रखो सब ठीक हो जाएगा। तुम बैठो, मैं तुम्हारी तनख्वाह लाता हूं। देखा, अरे तुमने ये सवाल इतनी जल्दी कैसे कर दिया? मुझे गणित बहुत पसंद है। 6 माही परीक्षा में तुझे गणित में कितने नंबर मिले? 92। तुम्हें कितने मिले? मैं गणित में बहुत कच्चा हूँ, मुझे 29 नंबर मिले। 29? तुम तो बिल्कुल बुद्धू हो। अरे भाई कौन बुद्धू है? रमेश की मम्मी, ये गणित में बिल्कुल कच्चा है। हाँ हाँ, जैसे तुम बहुत होशियार हो। जी हाँ, आप सवाल दीजिए और देखिए मैं करता हूँ या नहीं। हाँ मम्मी, आप सवाल दीजिए। अगर मैंने ठीक जवाब दिया तो आप मुझे क्या इनाम देंगे? 5 रुपया देंगे। लेनदार घर पर आने लग गए हैं इसलिए यहाँ आना पड़ा। पहले ही पूरी तनख्वाह पूरी नहीं पड़ती थी, अब आधे में क्या क्या करूंगा कुछ समझ में नहीं आता। 5 रुपए क्या? 1000 रुपए दूंगी। क्या, 1000 रुपए? हाँ हाँ, तुम दोनों में से जो जीतेगा उसे 1000 रुपए इनाम मिलेगा। हाँ मम्मी पूछो सवाल। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों स्कूल जाने के लिए एक ही समय घर से निकलते हो, एक ही समय तुम दोनों घर से निकलते हो। रमेश को स्कूल पहुंचने में 75 मिनट लगते हैं और सुरेश को 1.25 घंटा। ऐसा क्यों? बोलो बोलो बोलो।
मुझे 75 मिनट लेते हैं या मुझे 1.25 घंटा लगता है? मैं बताता हूँ। बताओ। मैं कार से जाता हूँ इसलिए मुझे 75 मिनट लगते हैं, ये पैदल जाता है इसलिए 1.25 घंटा। गलत गलत एकदम गलत। रमेश की मम्मी ये क्या सवाल, 75 मिनट और 1.25 घंटा एक ही तो बात है। शाबाश सुरेश जीत गया। लाइए 1000 रुपए। हाँ हाँ जरूर मिलेंगे, अभी लाती हूँ। वो तो मम्मी ने मजाक में कहा था, इतने से सवाल के कोई 1000 रुपए थोड़ी ही दे देता है। सुरेश ये लो रुपए, मैं यही चाहती थी कि नाम तुम जीतो, इन्हें संभाल कर ले जाओ और मम्मी को दे देना, घर खर्च के लिए रख लेंगे। रमेश तुम ही सुरेश के साथ जाओ। अच्छा मम्मी आओ सुरेश। चोर को सब चोर नजर आते हैं, कहते हैं कि इन्होंने रिश्वत ली है, अगर ये रिश्वत लेते तो आज मैं भी गाड़ी में घूमती। उठ, तनख्वाह कमाई 30 दिन में और खत्म हो गई 3 दिन में, ढेला नहीं बचा, 27 दिन बाकी है, न जाने कैसे खर्चा चलेगा। सीधी खड़ी रहना, भगवान जाने ये बच्चे कब बड़े होंगे और कब कमाने लगेंगे। माँ ये रमेश है, इसकी माँ कलेक्टर है। आओ बेटे। माँ तुम कितने पैसों से सुखी हो जाओगी, बोलो कितने रुपए कमा के लाओ। 10 दिन को बहुत दिन है बेटा। अगर मैंने 1000 रुपए कमाए तो काफी है, वो भी एक महीने में नहीं एक दिन में। 1000 रुपए एक दिन में? सच कह रहा हूँ माँ, आंखें बंद करो, करो ना, हाथ फैलाओ, अब आंखें खोलो, देखो मैंने 1000 रुपए कमाए। 1000 रुपए और तूने कमाए? जी हाँ, मेरी मम्मी ने हम दोनों से गणित का एक सवाल पूछा और कहा जो सही जवाब देगा उसे 1000 रुपया इनाम मिलेगा। सुरेश ने सही जवाब देकर इनाम जीत लिया। तुम्हारी मम्मी ने एक सवाल हल करने के लिए 1000 रुपए दिए? हाँ माँ, उन्होंने कहा अपनी माँ को दे देना, घर खर्च के लिए रख लेंगी। घर खर्च के लिए? अब समझे। अच्छा बेटे अब मैं एक सवाल पूछती हूँ। माँ ये गणित में बिल्कुल कच्चा है। तू चुप रह। रमेश तुम्हारी मम्मी कलेक्टर है ना? जी हाँ। एक दिन उन्हें हवाई जहाज से दिल्ली जाना था, तुम्हारे घर में पहरेदार है ना? हाँ है। पहरेदार ने आकर कहा कि मालकिन मैंने कल रात को सपना देखा था कि आप जिस हवाई जहाज से जा रही हैं उस हवाई जहाज का एक्सीडेंट हो गया, आप उस हवाई जहाज से मत जाइए। दूसरे दिन उसकी बात सच हो गई, उस हवाई जहाज का एक्सीडेंट हो गया। तुम्हारी मम्मी एकदम हैरत में रह गई और उन्हें फौरन पहरेदार को बुला भेजा। पहरेदार ने उनकी जान बचाई इसलिए उन्होंने उसे इनाम दिया होगा। यही तो सवाल है, उन्होंने उसे काम पे से हटा दिया, बताओ क्यों? माँ तुम सवाल पूछ रही हो या कहानी सुना रही हो? सवाल का जवाब दो। चलो रमेश की मम्मी ऐसा कभी नहीं करेंगी, वो बहुत अच्छी हैं। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, मैं बताता हूँ। बताओ। पहरेदार पहरा देने के बजाय सोता था, रात को सपने देखता था इसलिए उसे काम पे से हटा दिया, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। सुरेश फेल और रमेश पास। रमेश तुम जीत गए, ये लो 1000 रुपया इनाम, अपनी मम्मी को देना और कहना कि गाड़ी में पेट्रोल डालने को रख रहे। ये क्या माँ तुमने उसे जिता दिया? हाँ बेटा वो जीते, इसीलिए मैंने बड़े आदमियों की पहले बुझाई थी। तू बेचारा क्या जाने ये हवाई जहाज पहरेदार या रेसों के दूसरे चोर से, तू जा। अगर वो अपने आप को शेर समझती है तो मैं भी सवा शेर हूँ। पिताजी सुना आपने, उस दिन तो आप कह रहे थे उस कलेक्टरनी को इनसे जरा भी हमदर्दी होती तो इन्हें काम से मुअत्तली क्यों करती, लेकिन पिताजी उसकी चाल को हम इतनी आसानी से नहीं समझ सकते। एक तरफ तो इन्हें काम से मुअत्तल करती है और दूसरी तरफ लड़के के हाथ रुपए भेजती है, लेकिन वो भूल गई कि शेर भूखा मर जाएगा मगर घास कभी नहीं खाएगा। बढ़िया एक घर खर्च के लिए रुपए भेजने वाली। पप्पू माला जी आपने अपने पप्पू को देखा है? क्या कहा? मेरा पप्पू? मेरा मतलब है मेरा पप्पू, पता नहीं कहाँ खो गया। खो गया? बोलाते तो क्या कहा, बच्चे को भला करे हो, तुम किसी बच्चे की माँ होती तो पता चलता कि बच्चा क्या होता है। पप्पू पापा। अरे मेरे जिगर के टुकड़े, पप्पू से कह रहा हूँ भाई। पप्पू तू यह क्या कर रहा है बेटे? पापा मैं तस्वीरें देख रहा हूँ। अरे तेरे काम की यहाँ कौन सी तस्वीर है?
ये फाइल यहाँ कैसे आ गई? इस फाइल के लिए तो बेचारे मोहन बाबू सस्पेंड हो गए। टेम्पररी हेड क्लर्क साहब, पूरा ऑफिस मेरे बच्चे को जीरो बोलता था, लेकिन ये 007 निकला। जेम्स बॉन्ड, इसने ये कोई भी फाइल ढूंढ निकाली। ये फाइल किस मैगजीन में कैसे आई? मेरे ख्याल से मोहन बाबू ने गलती से फाइल मैगजीन में रखी होगी और दफ्तरी ने इसे सी दिया होगा। कैसे भी हो, ये खोई हुई फाइल क्या मिल गई? मोहन बाबू की खोई हुई जिंदगी मिल गई। जल्दी से कलेक्टर को बताइए। अभी जाता हूँ। मैं समझ गया, तुझे मिठाई चाहिए ना। मोहन बाबू को तनख्वाह मिलेगी जब तुझे मिठाई भी मिल जाएगी। दस कभी है, दस कभी कहीं चलेगा। लदे तू घुमा देगा। बड़ी कृपा की भगवान ने, वो फाइल मिल गई, आप भी निर्दोष साबित हो गए और मैं भी आपके खिलाफ कार्रवाई करने की दुविधा से बच गई। इस दुविधा की वजह मेरी लापरवाही थी और इस लापरवाही का कारण मेरी दिमागी उलझन। मेरी आपसे एक प्रार्थना है, मेहरबानी करके मेरा तबादला कर दीजिए। जब ये बदलने से क्या दिल भी बदल जाएंगे? ज्यादा गलतियां करके मैं आपको और दुविधा में नहीं डालना चाहता। प्लीज मेरा ट्रांसफर करवा दीजिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं जानता था आप यही कहेंगे, इसीलिए मैं अपना इस्तीफा लेकर आया। इसे मंजूर कीजिए। जिम्मेदारी से भागना बुजदिली है। जिस जमाने में औरतें मुसीबतों का सामना मुस्कुराते हुए करती हैं, आप जिंदगी से भागना चाहते हैं? ये देखिए, आप मेरा तबादला करवाने के लिए तैयार नहीं। मेरा इस्तीफा भी आपने मंजूर नहीं किया। कम से कम मुझे 3 महीने की छुट्टी तो दे दीजिए। छुट्टी? सॉरी, कलेक्टर आशा से आपको छुट्टी नहीं मिलेगी और आशा आपको छुट्टी नहीं देगी। मे आई कम इन मैडम? यस। मिस्टर मोहन, आई एम वेरी सॉरी, आप पे झूठा इल्जाम लगा। मैडम, किसी ने 5,000 रुपया इनके टिफिन बॉक्स में रखकर इन्हें फंसाने की कोशिश की। क्या कहा? यस मैडम। अच्छा हुआ ये उस साजिश से बेदार निकल गए। मैडम, इन रुपयों को मैं अब क्या करूं? जब तक ये पता नहीं चल जाता कि रुपए किनके हैं, इन्हें सरकारी खजाने में जमा कर देना चाहिए, यही कानून है। ये बात है, तो फिर आप ही इसे सरकारी खजाने में जमा कर दीजिए। जी लीजिए ना। जी ये पैसे तो मैं जमा करा दूंगा, लेकिन मेरी छुट्टी के बारे में क्या? मिस्टर जगदीश। यस मैडम। हमें आज तक किसी मामले में अपना एक बार दिया फैसला बदला है? मेरे ख्याल में कभी नहीं। ये छुट्टी मांग रहे हैं और मैं 2 बार नामंजूर कर चुकी हूँ। मुझे बर्बाद करने का जाल फैलाकर पूछ रहे हो, क्या बात है? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा।
हेलो, यस, मैं सीमा बोल रही हूँ। ओह, आपकी पत्नी? हाँ, कहीं मेरे पति आए हैं वहाँ। आपकी पति? हाँ, घर के काम के बारे में मुझे उनसे कुछ पूछना था, लेकिन वो यहाँ नहीं। मैंने सोचा शायद दफ्तर के किसी काम के बारे में आपसे कुछ पूछने वहाँ आए हों। हैं क्या वहाँ? जी जी, वो यहाँ नहीं है। आप चुप क्यों हैं? मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मुझे मार डालिए, मेरी जान ले लीजिए। जिन हाथों ने एक दिन मेरे गले में मंगलसूत्र बांधा था, आज अगर वही हाथ मेरा गला घोटना चाहे तो मैं इसे भी अपना सौभाग्य समझूंगी। क्योंकि जो स्त्री अपने पति की छाया में नहीं रह सकती, उसके लिए जिंदगी क्या और मौत क्या। लेकिन सजा पाने से पहले मैं इतना जानना चाहती हूँ कि मेरा कसूर क्या है। कसूर? हालात ने हमें एक दूसरे से अलग कर दिया, लेकिन तुम इसे मेरी गलती समझकर मुझसे बदला ले रही हो। आज मैं तुम्हारे मातहत हूं, अधिकार तुम्हारे हाथों में, इसीलिए तुमने मुझे सबके सामने अपमानित किया, मुझ पर रिश्वतखोरी का इल्जाम लगाया, मुझे नौकरी से मुअत्तल किया। मैंने बदनामी से बचने के लिए और तुमसे दूर जाने के लिए तबादले की दरख्वास्त की, लेकिन तुमने इसे मंजूर नहीं किया। मैंने इस घुटन से राहत पाने के लिए तुमसे कुछ दिनों की छुट्टी मांगी, यहां तक कि मैं तुम्हें अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन तुमने यह भी मंजूर नहीं किया। सिर्फ इसलिए कि मैं हमेशा तुम्हारे इस अधिकार के नीचे दबकर तिल मिलाता रहूं और तुम अपनी इंतकाम की आग में मुझे तिल तिल कर जलाते। नहीं, 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 झूठ है ये, झूठ है, झूठ है। सिर्फ तो मैं खुद रही हूं कि मेरा दुर्भाग्य है कि आप मुझे कदम कदम पर गलत समझ रहे हैं। आप तो जानते हैं दुनिया की हर स्त्री से अपना अधिकार समझती है कि इसका पति हमेशा उसके साथ हो, उसके पास हो, उसकी आंखों के सामने हो। किस्मत ने मुझसे यह अधिकार तो छीन लिया, लेकिन ऐसे तो मुझे आपके करीब आने का मौका दिया। मैं आज से ये तो ना कह सकी कि आप मुझसे दूर मत जाइए, इसलिए मुझे सख्ती का सहारा लेना पड़ा। जब मेरी जुबान ये कह रही थी कि आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, तो मेरा दिल रो रहा था। 10 साल बाद मुझे आपके दर्शन करने का मौका मिला। भगवान के लिए आप मुझसे दूर मत जाइए, आप नहीं समझेंगे। जब आपको इजाजत देकर सर झुकाकर मेरे कमरे में आना पड़ता है तो मेरा कलेजा फटने लगता है। इस देश की स्त्रियों की बहुत तरह से परीक्षा ली गई है, लेकिन ऐसी परीक्षा जिससे मैं गुजर रही हूँ किसी इतिहास या पुराण के किसी भी पन्ने में नहीं मिलेगी। मैं इस कठिन परीक्षा से छुटकारा पाने के लिए बार बार अपना तबादला करने का विचार करती हूँ, लेकिन आपके दर्शन की लालसा मेरे पैरों को जकड़ लेती है। मैं क्या करूं? मुझे गलतफहमी हो गई थी आशा, और उसी जोश में मैं आपे से बाहर होकर यहाँ चला आया। अच्छा हुआ तुमने मेरे दिमाग के फितूर को उतार दिया। सचमुच मैं हर बात में जल्दबाजी कर लेता हूँ, शायद यही वजह है कि आज भी मैं सिर्फ एक क्लार्क हूं और तुम एक कलेक्टर। अच्छा, मैं जाता हूं। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो आदमी जिसके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था। आई सी। ये शख्स मेरी बेटी के मातहत काम करता है। मेरी बेटी ने किसी गलती पर इसे डांट डपट दिया था। उसका बदला लेने के लिए ये मक्कार आधी रात को मेरी बेटी पर हमला करने आया। आप गिरफ्तार कर लीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं, ये यहाँ खुद नहीं आए, ऑफिस के जरूरी मामले पर बात करने के लिए मैंने बुलाया था। लेकिन आपके पिताजी तो कुछ और ही कह रहे हैं मैडम। आई एम सॉरी, कुछ दिनों से इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं। आशा, देखा आपने, इसी तरह बार बार चिल्लाते हैं। इंस्पेक्टर,
अब आप जा सकते हैं। जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे दिमाग की हालत खराब है। पिताजी आप भी मुझे माफ कर दीजिए, इस वक्त आपको किस चीज की जरूरत है मैं अच्छी तरह जानती हूं। ये पाइप लीजिए, आराम से कश लगाइए और सो जाइए। गुड नाइट। बीरबल तूने कुछ खबर सुनी? कौन सी खबर? अबे अपना हीरो कलेक्टर के घर के अंदर घुस गया। घर के अंदर? हाँ। तुम्हें कैसे पता चला? अबे ऐसी खबरों का पता चलता है ड्राइवर से, उसी ने मुझे बताया। फिर क्या, उसने तीन दफा दरवाजा खटखटाया, उसके बाद कलेक्टर ने दरवाजा खोला और कलेक्टर ने फिर उसे अंदर आने का इशारा किया और फिर अपना हीरो अंदर। फिर क्या हुआ बे? फिर क्या, छुप कर प्यार करने वाले को चुप रहना चाहिए, लेकिन अपना हीरो तो जोश में आ गया और प्रेम गीत शुरू कर दिया। कौन सा गीत? अबे वही पुराना हिट गीत, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। छोड़ो यार गाने को, फिर क्या हुआ? अबे फिर क्या, गाना सुनते ही उसके बाप के कान फड़फड़ा उठे, उसने फौरन ही पुलिस को टेलीफोन खड़खड़ाया और एक मिनट तक पुलिस आ गई। फिर क्या था, अपने हीरो की पत्नी ढीली हो गई और बेचारा पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगा, लेकिन वाहरी मोहब्बत, बाप ने कहा तुम्हारा इस वक्त घर के अंदर आना कानून के खिलाफ है। बेटी ने जवाब दिया, लेकिन पापा मैंने इन्हें बुलाया है सरकारी काम से। बाप ने कहा लेकिन आधी रात को सरकारी काम क्या हो सकता है। बेटी ने जवाब दिया, पापा हम 24 घंटे सरकारी नौकर हैं, हमारे लिए दिन क्या और रात क्या, बस ये सुनना था कि बाप के मुंह पे ताले ही पड़ गए। माँ माँ कलेक्टर आ गई, कलेक्टर आ गई। कलेक्टर आ गई? देखा पिताजी, उन्हें ढूंढते हुए आज वो घर तक आ पहुँचे। चुप रहो, न जाने क्यों आ रही हैं, उन्हें आ लेने तो मैं पूछता हूँ। आप क्यों पूछेंगे, मैं खुद पूछ लूंगी, क्या मैं उसे डरती हूँ? देखो सीमा, कोई उल्टी सीधी बात की तो तुम्हारा बाप इस घर में नहीं रहेगा, वो हमारे घर आ रही हैं, उनके साथ बदसलूकी से पेश आना ये कहाँ की शराफत है। जाओ उनका स्वागत करो, जाओ जाओ। पिताजी मेरी साड़ी अच्छी नहीं, मैं साड़ी बदल लेती हूँ, आप उनका स्वागत कीजिए, जाइए। अरे पिताजी घर में चाय बनाने के लिए दूध नहीं, आप जरा जमुना बहन के घर से एक गिलास दूध लेकर आइए। नहीं नहीं पिताजी ऐसा करिए, मैं खुद लेकर आऊंगी, आप उन्हें अंदर लेकर आइए, जाइए ना। अरे पिताजी आप इस तरह बनियान में कहाँ जा रहे हैं, जरा शर्ट पहन लीजिए। आइए आइए, मैं आपके हेड क्लर्क मोहन का ससुर हूँ। नमस्ते। मैं पुलिस इंस्पेक्टर था, अब रिटायर हो चुका हूँ, जो कुछ पेंशन मिलती है अपनी बेटी के हवाले कर देता हूँ। मेरी बेटी के सिवाय दुनिया में है ही कौन, सुना है आप दफ्तर में बहुत सख्त है, वेरी स्ट्रिक्ट, होना भी चाहिए। मैं भी बहुत स्ट्रिक्ट था, सन 44 की बात है कि अंग्रेज DSP साहब थे मिस्टर मैकडोनल्ड, क्या ठाट पाट थे उनके। मैं आपको बोर तो नहीं कर रहा हूँ? नो नो नॉट एट ऑल। लीजिए मेरी बेटी आ गई। नमस्ते। नमस्ते। सूरज दिखाई नहीं दे रहा है? यही कहीं बाहर खेलने गया होगा। ओ, वो तो मुझ पर जान देता है, जब भी देखो मुझे रमेश की मम्मी कहकर ही पुकारता है। और यहाँ भी आपका वही नाम है? ये बात है। बैठे ना, पहले आप बैठिए। नहीं। क्यों? भले मैं रिटायर हो गया हूँ लेकिन हूँ तो पुलिस इंस्पेक्टर, आप ठहरी कलेक्टर, आपके सामने मैं कैसे बैठ सकता हूँ? छोड़िए कलेक्टर वलेक्टर, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो अब तुम बैठो। हाँ अभी बैठे ना। जी नहीं, मेरे पति जिनके सामने खड़े रहते हूँ उनके सामने मैं बैठूं, ये कैसे हो सकता है? ये दफ्तर नहीं घर है, बैठिए। बहुत दिन हुए आपसे मिले, मैं भी मिलना चाहती थी आपसे, एक बात पूछनी थी आपसे। पूछिए। कुछ नहीं, मैं सिर्फ यही पूछना चाहती थी कि जो कुछ हमने सुना वो क्या सुना आपने? यही कि दफ्तर में जितना आप सख्त रहती हैं घर में उतनी नरम हो जाती हैं। सुरेश कह रहा था। ये बात है। खैर मैं जिस काम के लिए आई हूँ वो तो पहले बता दूँ,
कल हमारे यहाँ जन्माष्टमी का उत्सव है, आप बच्चों को लेकर झांके देखने जरूर आइएगा। मैं गाड़ी भेज दूंगी। अच्छा तो मैं चलूं। आप चाय वाय नहीं पीजिएगा? चाय वाय फिर कभी, एक दिन आऊंगी और खूब पेट भर के खाना खा के जाऊंगी। अच्छा। अरे अरे, मैं तो बच्चे को भी साथ लिए जा रही हूँ, वो भी पुलिस इंस्पेक्टर के सामने। चाचा, मम्मी के साथ झांके देखने आना। हाँ। आप यहाँ? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? ये नहीं, मेरा मतलब है आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? ये तो हम दोनों का निजी मामला है। सीमा, तुम्हें मालूम हो गया है ये कौन है? हाँ हाँ हाँ, ये अच्छी तरह जानती हैं कि मैं यहाँ की कलेक्टर हूँ। अच्छा तो मैं चलती हूँ। देखा पिताजी, वो मेरे बच्चों को कितना प्यार करती है, क्या आपको ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ धोखा करेगी? वो भी तुम ही कह रही थी, ये भी तुम ही कह रही हो। मैं आई हूँ। मैंने देखा। पूछा क्यों नहीं क्यों आई हूँ? क्या मेरे पूछने पर ही बताओगी? कलेक्टर जन्माष्टमी के उत्सव पर मुझे अपने यहाँ बुलाने आए थे, जाऊं या नहीं? जाऊं या नहीं, तुम्हारी मर्जी। तुम्हारा मतलब है ना जाऊं? मैंने ये कब कहा? 9 नंबर की बस जाती है उस तरफ। मैं बस में नहीं जाऊंगी, वो मेरे लिए गाड़ी भेज रही है। सीमा जी, बड़ी खुशी हुई कि आप आई। आप खुद बुलाने आई और मैं ना आती? आओ सुरेश, रानी आओ आओ। नमस्ते मैडम, झांकी में गाना नहीं होगा क्या? क्यों नहीं होगा, जब सीमा जी आई है तो जरूर होगा। मैं? नहीं 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 नहीं, कहने से छुटकारा नहीं मिलेगा, गाना तो पड़ेगा ही। क्यों माला? हाँ सीमा जी, आप गाएंगी तो मैडम गाएंगी, है ना मैडम? मैं हाँ हाँ जरूर गाऊंगी, चलो वहां चलकर बैठे। Thank you.
एक बाजी के हो सकते हैं दो पतंगे साथी, कोई अकेला अकेला कोई अकेला नहीं रे, छाया साथ है ये झूठी बात है, हाँ ये सच्ची बात है, हाँ ये झूठी बात है, ये सच्ची बात है। चुप क्यों हो गई? गाइए ना, सब लोग देख रहे हैं, गाइए। एक हुआ है राम, एक हुआ है राम, हुए है एक ही राम की सीता, तुमसे जीते कान के तुम करती हो खूब कविता, तुम न मानो न मानो तुम न मानो, तुमने खाई आज मात है ये झूठी बात है, ये सच्ची बात है, हाँ ये झूठी बात है, ये सच्ची बात है। घुमा फिरा कर सच्चाई जानने की कोशिश की, लेकिन उसने साफ लफ्जों में जवाब दे दिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसने इनसे शादी करने का फैसला कर लिया है। आप ही कहिए कि आप भी मुझे खामोश रहना चाहिए। बेटी, जो पेड़ जमीन पर बिल्कुल सीधा खड़ा हो, उसकी जड़ें जमीन के नीचे इतनी टेढ़ी हो सकती हैं, इसका मैंने कभी ख्याल नहीं किया। सीमा, अब हम और धोखा नहीं खा लिया, वक्त आ गया है कि मैं मोहन से रूबरू दो बातें कर लूंगा। मोहन, मैंने तुमसे सिर्फ एक बार मुंह खोल कर बात की थी, और वो भी उस वक्त जब तुम शादी से पहले सीमा को देखने आए थे, और आज 10 बरस बाद जबान खोल कर बात करने के लिए मजबूर हो गया अपनी उसी बेटी सीमा की बाबत। पिताजी गोल गोल बात क्यों कर रहे हैं? इधर आओ। बच्ची के सर पे हाथ रख के कहो, मैं जो कुछ सवाल पूछूं उसका सच सच जवाब दो। आज तक तुमने हमसे बहुत कुछ छुपाया है, बोलो। बताओ, जो कुछ हमने सुना है क्या सच है? याद रखो, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, सच सच बोलो। देखा पिताजी, इन्होंने हाथ हटा लिया, इसका मतलब है इन्होंने सब कुछ कबूल कर लिया। मोहन, मुझसे कुछ मत पूछिए। बाबू, कुछ सुना क्या? अपनी कलेक्टर ऑफिस में नहीं आई? नहीं आई? अपना हीरो कहाँ है? वो भी अभी तक नहीं आया। ए शाबाश, हीरो भी नहीं आया, हीरोइन भी नहीं आई, इसका मतलब जरूर कोई राज है।
आज दिन क्या है? गुरुवार। गुरुवार? गुरुवार का दिन भी बड़ा शुभ है गुरु। और गुरु आज का दिन ब्याह शादी का मुहूर्त है। ए, शाबाश, इसका मतलब ये कि दोनों आज शादी कर रहे हैं। सच? अबे जो हमने सोच लिया वही सच। लेकिन तुम लोग मुकरना नहीं? नहीं, 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 नहीं। लेकिन गुरु ये शादी होगी कहाँ? अबे ऐसी शादी मंदिर में होती है और कहाँ? फिर तो मंदिर की घंटी उसकी घरवाली को भी सुनानी चाहिए। हेलो, कौन? सीमा जी चाहिए? रानी की माँ, तुम्हारा टेलीफोन। फिर से टेलीफोन? अभी आई। हेलो, कौन? हम आपके शुभ चिंतक। कहिए। आपको शुभ सूचना देनी है। आज शुभ दिन, शुभ मुहूर्त में शुभ विवाह यानी शादी। किसकी? अरे वाह, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। आपके पति मोहन बाबू की कलेक्टर आशा देवी के साथ आज सुबह मंदिर में हो गई। हम लोग प्रीति भोजन में जा रहे हैं, आप भी तशरीफ लाइए ना। अरे पप्पू, तू यहाँ क्या कर रहा है? आंटी ने मेरे को मिठाई दी है। अरे वारे तेरे नसीब, तुझे मिठाई देती है और मुझसे मीठी बात तक नहीं करती। जब तक तुम ऐसे कड़वा काम करते रहोगे कौन तुमसे मीठी बात? मैंने ऐसा कौन सा कड़वा काम किया है? यही इधर की उधर लगाना, चुगली ये करना, क्या कड़वा काम नहीं? वो तो मैं मजाक में करता हूँ टाइम पास के लिए। माला जी, मैं उतना बुरा आदमी नहीं हूँ जितना तुम समझती हो। मैं कब कहती हूँ तुम बुरे हो? आदमी बुरा नहीं होता, आदतें बुरी होती है। अब आदत छूटती नहीं तो मैं क्या करूँ? आई है जान के साथ और जाएगी जान के साथ। छी छी छी, ऐसी मनुष्य बात मुझसे मत निकालो। इससे तो अच्छा है कि तुम खुद अच्छे बन जाओ। अच्छा किसके लिए बनूं? इस दुनिया में कौन है मेरा? मैं हूँ, आंटी है। अब तेरा जवाब नहीं है पप्पू। क्यों माला जी? आंटी। अबे आप आंटी नहीं, अब तो मम्मी बोल, लाइन क्लियर हो गई है। इसके दूध का टाइम हो गया, बोतल दूं? बहन, मैं तुम्हारे पति के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। दूसरे क्या कहते हैं मैं इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता, और तुमसे भी यही कहने आया हूँ कि हमें किसी को छींटे उड़ाने का मौका नहीं देना चाहिए, ठीक है ना? दूसरे क्या कहते हैं इस बात को जाने दीजिए, मगर भैया आप अपने दिल पर हाथ रख के कहिए कि आपका दिल क्या कहता है। ये तुम मुझसे पूछ रही हो? मैं जिस भगवान की पूजा करता हूँ, अगर वो खुद भी आकर कहें कि मोहन ने कुछ गलती की है तो भी मैं विश्वास करने वाला नहीं। माँ माँ, बाहर खिलौने वाला आया है, मुझे पैसे दो माँ। दो माँ, दो माँ। क्यों तंग कर रही है मुझे? जाना। देखा हमारी शादी के फोटो के पीछे इन्होंने कौन सी फोटो छिपा के रखी है? अब बोलिए क्या राय है उनके बारे में आपकी? बहन, मैं जिस भगवान की पूजा करता हूँ उससे भी ज्यादा विश्वास किया मैंने वो उनकी, लेकिन मेरे भगवान ने मेरी आंखें खोल दी कि मैं कितना बड़ा मूर्ख बना हुआ है। अच्छा बहन, मैं चलता हूँ। हेलो, मैं कलेक्टर आशा बोल रही हूँ। कौन? सीमा जी, आप? कहिए क्या बात है? मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछना है? और वो भी फोन पर? आज शाम को आप मेरे घर आ जाइए या तो मैं खुद आपके घर आ जाऊंगी। जी नहीं, बात बहुत जरूरी है, जवाब अभी जानना चाहती हूँ। अभी? हाँ। पूछिए। आपकी शादी हो चुकी? जी। मैंने पूछा आपकी शादी हो चुकी है? हाँ। मंदिर में ना?
ये आप क्यों पूछ रही हैं? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपकी शादी मंदिर में हुई है ना? हाँ हुई। क्या मैं जान सकती हूँ कि आपके पति कौन है? मेरे पति? मैंने पूछा आपके पति कौन है, मेहरबानी करके बताइए। देखिए सीमा जी, मैं आपके घर आऊंगी और आपको सब कुछ बता दूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं, आपकी शादी मेरे पति से हो चुकी है। बोलिए ये सच है या नहीं? हाँ ये सच है सीमा जी, हमारी शादी हो चुकी। लेकिन लेकिन जैसे आप सोच रही हैं, हमारी शादी आज या कल नहीं, 10 साल पहले हो चुकी है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आपका सुखी संसार उजड़ जाए, इसलिए इसलिए मैंने इस राज को आज तक छुपाए रखा। सीमा जी, सीमा जी, सीमा जी, हेलो हेलो हेलो। यस मैडम। मिस्टर जगदीश, मैं बहुत जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, शाम तक लौट आऊंगी। ओके मैडम। बेटी सीमा, 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 सुरेश तूने अपनी माँ को देखा? नहीं तो। आए, कहाँ चली गई? पिताजी, मैं जा रही हूँ। मैं अपने पति के रास्ते का कांटा नहीं बनना चाहती। मैं जा रही हूँ ताकि वो उस कलेक्टरनी के साथ सुखी रह सके। मेरी तलाश न कीजिए। आपकी सीमा। नाया जी, नाया जी। नाया जी, नाया जी। क्या हुआ सुरेश? माँ कहीं चली गई, नाना जी भी ये चिट्ठी पढ़कर कहीं चले गए। मोहन बेटे, मोहन बेटे का तो हो गया, सीमा घर छोड़कर चली गई। चली गई? हाँ, आओ मेरे साथ। चलो।
मुझे माफ कर दो सीमा, हाथ जोड़कर मैं तुम्हें रोक न सकी, इसलिए मुझे तुम पर हाथ उठाना पड़ा। तुमने फोन पर मुझसे ये पूछा कि मैंने तुम्हारे पति के साथ शादी की या नहीं, लेकिन तुमने मुझसे ये नहीं पूछा कि हमारी शादी कब हुई। मैं क्यों पूछूं? मुझे सब मालूम है, तुम्हारी शादी आज हुई है, वो भी किसी मंदिर में। यही तो तुम्हारी भूल है बहन, हमारी शादी आज या कल नहीं, 10 साल पहले हुई। क्या 10 साल पहले? हाँ सीमा, मैंने कभी तुम्हारा सुहाग छीनने की कोशिश नहीं की। मैं तो दिन रात यही प्रार्थना करती रही हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारे परिवार में दुख की परछाई भी ना पड़े। क्या? हाँ, शायद तुम्हें मेरे कहने पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन यकीन मानो सीमा, मैं अपने बच्चे की सौगंध खाकर कहती हूँ, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ। हाँ सीमा, हाँ यकीन मानो। सीमा, नीचे आओ, नीचे चली जाओ, तेरा बारूद फटने वाला है, नीचे आओ। सीमा यहाँ खतरा है, चलो यहाँ से जाओ। सीमा जल्दी जाओ। डॉक्टर, मेरी हालत कैसी है? जी, मेरी हालत अच्छी है आशा, तुम अच्छी हो जाओगी। डॉक्टर। हाँ मैडम, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ये बात है, मरीज को तसल्ली देने के लिए झूठ बोलना ये आपकी अच्छी आदत है डॉक्टर, लेकिन लेकिन जो शख्स मौत के मुंह में खड़ा हो उसे झूठ बोलना ठीक नहीं। जी। घबराइए मत, मैं इतनी कमजोर दिल नहीं कि अपनी हालत जानते ही रो पड़ूं। मैं जानती हूं मैं जिंदा नहीं रहूंगी और इसकी मुझे चिंता भी नहीं, लेकिन लेकिन वो कैसी है सीमा, कैसी है? She's all right. वो बिल्कुल अच्छी है। आपने मुझसे कहा मैं अच्छी हूँ, उसी तरह ना? जी नहीं, वो सचमुच अच्छी है, मगर वो... मगर मगर क्या? डॉक्टर बोलिए, बोलिए क्या हुआ उसे? डॉक्टर मेरे पास वक्त नहीं है, जल्दी बोलिए प्लीज प्लीज। धीरज रखिए मैडम, सीमा जी देख नहीं सकते, उनकी आंखें चली गई, हमेशा के लिए चली गई। नहीं डॉक्टर नहीं, मैं अपनी आंखों का ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती। अपनी दीदी पर शक करके बहुत बड़ा पाप किया है मैंने और मुझे इस पाप की सजा मिल गई है। देखिए, इस हालत में आपको ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, आप आराम से लेटे रहिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ सीमा, डॉक्टर साहब का पूरा विश्वास है कि तुम फिर से देख सकोगे। Thank you.
माँ आ जाएगी बेटे, तेरी माँ बिल्कुल ठीक है, वो आज ही आ जाएगी। जाओ चलो बेटा। श्रीमा जी अब मैं पट्टी खोल रहा हूं, उसके बाद धीरे धीरे से आंखें खोलिए। मैं देख सकती हूँ, हाँ मैं सब कुछ देख सकती हूँ। सीमा बेटी। हाँ पिताजी मैं सबको देख सकती हूँ। आशा दीदी कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है, उनसे माफी मांगनी है। चलो सीमा घर चलते हैं। क्यों दीदी घर क्यों चली गई? वो मुझसे मिलने यहाँ क्यों नहीं आई? चलो बेटी पहले घर चलो। दीदी आशा दीदी दीदी ये सच नहीं हो सकता। सीमा सीमा रो मत सीमा, आशा अब भी हमारे साथ है। तुम्हारी आंखों में, जिन आंखों से तुम मुझे देख रही हो वो आशा की हैं। क्या? हाँ मरने से पहले आशा तुम्हें अपनी आंखें दे गई। कहना तो वो बहुत कुछ चाहती थी लेकिन वक्त नहीं था। ये खत वो तुम्हारे लिए छोड़ गई है। खत? हाँ इसे तुम खुद ही पढ़ लेना। प्यारी बहन लोग शायद कहेंगे तुम्हें अपनी आंखें देकर मैंने बहुत बड़ा त्याग किया है, लेकिन ये मेरा त्याग नहीं बल्कि मेरी खुदगर्जी है, मेरा स्वार्थ है। दुनिया की हर स्त्री चाहती है जब तक वो खुद जिंदा है वो अपने पति को देखती रहे। मैं भी यही चाहती थी लेकिन जीते जी मुझे ऐसे अवसर बहुत कम मिले। शायद इसी कमी को पूरा करने के लिए अब मुझे ऐसा सौभाग्य मिला है जिससे मैं तुम्हारी मदद से अपनी मृत्यु के बाद भी अपने पति को देखती रहूंगी। इसके लिए मैं तुम्हारी बहुत बहुत एहसानमंद हूं। सीमा मैंने तुम्हें अपनी आंखें इसलिए दी हैं ताकि तुम्हारी जिंदगी में हमेशा उजाला हो, तुम्हारे चेहरे पर सदा मुस्कुराहट रहे, तुम कभी ना रोना। देखा तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे हैं। सीमा तुम्हें मेरी आंखों का गलत उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं। मुझे उम्मीद है तुम अपनी दीदी की इस प्रार्थना को कभी नहीं भूलोगी। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। नहीं, नहीं दीदी मैं कभी नहीं रोऊंगी, तुम्हारी इन आंखों में कभी आंसू आने नहीं दूंगी। कभी नहीं दीदी।